So now, start karte bada. Most important chapter for exam point of view, or the amendment chapter for exam point of view. एक बहुत छोटा सा माइनर सा अमेंडमेंट है, पर खतरनाक अमेंडमेंट है, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपका क्वेश्चन आपका गलत होगा, ये बात तय है. और इस चैप्टर के बिना आपका कस्टम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही नहीं सकता. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस चैप्टर पर कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, पर इस चैप्टर के प्रोविजन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर पूछा जाएगा. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान समझता. मैं जैसे चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ाया था टाइप्स रेट ऑफ ड्यूटी के लिए, वो चैप्टर एग्जाम कोई पूछता नहीं है, पर उसके इम्प्लीकेशन किसी को जाएंगे, वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर आप लोगों से पूछे जाएंगे. हिट क्लियर? तो इसलिए मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर 3 जब मैंने पढ़ाया था राइट्स ऑफ ड्यूटी के, उसके बाद चैप्टर पढ़ना बिल्कुल आपका कस्टम पढ़ा नहीं पड़ा, जीरो है आपका. सेम केस विथ ईयर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 आपने पढ़ा नहीं तो आपका कस्टम पढ़ना आपका क्या होगा, जीरो होगा. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट एग्जाम में पूछा जाए. और जब मुझे उम्मीद लगती है तो मेरी उम्मीद पे मैं हमेशा खरा उतरता हूँ, मुझे ये भी भरोसा होता है. तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के अमेंडमेंट की वजह से वैल्यूएशन चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस अटेम्प्ट में कम हो जाएगी. मैं खत्म नहीं बोल रहा हूँ, कम हो जाएगी. मतलब जो वैल्यूएशन चैप्टर आपका सिलेबस का है, हम बोलते हैं आपका वैल्यूएशन चैप्टर सिलेबस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता ही आता है, वो क्वेश्चन इस बार इस चैप्टर से ही आएगा और डिटेल वैल्यूएशन नहीं आएगा. एक्चुअली क्या होता है, मैं एक बात बोलता हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने की यूटिलिटी क्या, पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या. हमें अभी तक देख के ये समझ में आ रहा होगा, अगर जो फर्स्ट टाइम कस्टम पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि सर गुड्स हमने इम्पोर्ट किया तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है. दैट मीन्स इसको बस इम्पोर्ट का पेमेंट करना पड़ता है. तो सिर्फ आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने की आवश्यकता नहीं लगते, जबकि आपको जब गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा कुछ एडिशनल ड्यूटीज का भी आपको पेमेंट करना पड़ता है. इस इंपोर्ट ड्यूटी को हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ. इसके अलावा आपसे कुछ और एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी चार्ज की जाती है, उन्हें कहा जाता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी कहा जाता है. ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी बहुत प्रकार की होती है. अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 एंड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 9. मतलब जब गुड्स इंपोर्ट होगा ये ड्यूटी चार्ज होगी होगी, इसके अलावा ये इतने सारी ड्यूटीज हैं वो भी एडिशनली चार्ज की जाती है. अभी एडिशनल ड्यूटीज कैसे चार्ज की जाती है मुझे ये समझाना है, किस वैल्यू पे चार्ज की जाती है मुझे ये समझाना है, और क्यों चार्ज की जा रही है इसके बारे में भी मुझे आपको डिस्कशन आपके साथ करते हुए चलना है. एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से आप लोग समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इन दोनों में अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान समझना बेटा. और मैं आपको बोलता हूँ इसी के साथ ये किस वैल्यू पे चार्ज की जाएगी इसके बारे में बात करता है अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2. ये किस वैल्यू पे चार्ज की जाएगी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 इस चीज की बात करता है. किस वैल्यू पे चार्ज की जाएगी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 इस चीज के बारे में बात करता है. ये किस वैल्यू पे चार्ज की जाएगी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 के बारे में बात करता है. ये किस वैल्यू पे चार्ज की जाएगी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 के ऊपर बताया गया है. आया समझ में आप लोग बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, कल मेरी मॉर्निंग में कोई बैच नहीं है राजू बेटा, तो कल आराम से आना है, कल मेरी कोई बैच नहीं मॉर्निंग में, ध्यान समझ लो. हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप लोग कल कंफर्टेबल हो तो कल बैच में मॉर्निंग में भी ले लूँ, कल इवनिंग में भी ले लूँ. मॉर्निंग सुबह 2 घंटे का, शाम को 2 घंटे का, हम खत्म कर. मॉर्निंग 8 to 10, 8 से 10, हाँ 9:30 पे चलो. हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, लेट्स सी ऑप्शन ही आंसर. लेट्स सी एग्जांपल, ये 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9, तो बीच में लग रहा था 3 2 कहाँ गया, 3 4 कहाँ गया, 3 6 कहाँ गया, 3 8 कहाँ गया, 3 10 कहाँ गया. ये 3 मैंने बोला था ना अभी आपको, 3 1 चार्ज किया जाता है, किस वैल्यू पे चार्ज किया जाता है वो मैं बताऊंगा. किस आंसर क्यों चार्ज किया जाता है 3 1 बताएगा, किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा वो 3 2 बताएगा, 3 3 चार्ज किया जाएगा किस वैल्यू पे 3 4 बताएगा, 3 5 चार्ज किस वैल्यू पे 3 6 बताएगा,
37 बताएगा किस वैल्यू पे, 38 बताएगा, और 39 किस वैल्यू पे जाएगा, 310 बताएगा। अरे हाँ है ना, ये पढ़ा, चैप्टर इज ओवर। ध्यान समझना अमेंडमेंट क्या है, ध्यान समझना, एक नया सेक्शन और इंसर्ट किया गया अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 10A। वो नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, नोट्स में नोट्स आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए बोलूंगा अंडर सेक्शन 3। ये इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है, इसकी वजह से क्या हुआ, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या अमेंडमेंट्स है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अगर ये प्रोविजंस आप इसके सेक्शंस के प्रोविजंस अगर आपको नहीं पता है तो शायद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज का बड़े ध्यान से समझना। अब जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, सबसे पहले इस चीज के बारे में, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपसे क्यों चार्ज की जाती है, इस चीज के बारे में बात करना, पर चाबी रख के जाना ना। एक ड्यूटी क्यों चार्ज करती है, यह जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने पे जो ड्यूटी चार्ज की जाती है उसे क्या बोलते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बहुत सिंपल सा फंडा है, दीक्षा मोबाइल पे ना ध्यान दें। तो मैं एक चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ कि अगर गुड्स आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे जो फर्स्ट टैक्स आपसे जो फर्स्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, फर्स्ट ड्यूटी इज कॉल्ड एज क्या बोला, बेसिक कस्टम ड्यूटी, दैट्स इट। मतलब नॉर्मली जो चार्ज करा वो चार्ज किया जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ साथ जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात की जाएगी, इसके एडिशनली ये ड्यूटीज भी आपसे चार्ज की जाएगी। ये एडिशनल ड्यूटी क्यों चार्ज की जाएगी, कैसे चार्ज की जाएगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी। ध्यान समझना, मैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। एडिशनल ये समझ में, ड्यूटी चार्ज क्यों जाएगी, क्या गुड्स इंडिया में आया, अगर गुड्स इंडिया में नहीं आता तो क्या गुड्स इंडिया में बनता, और गुड्स इंडिया में बनता तो इंडिया बनने पे क्या लगता, एक्साइज लगता। अरे जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए बना कहां पर, आउट ऑफ इंडिया। अगर इस गुड्स को आप इंपोर्ट नहीं करते तो क्या गुड्स इंडिया से खरीदते हैं, और इंडिया से खरीदते हैं तो क्या गवर्नमेंट को आप एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करते हैं। गुड्स आउट ऑफ इंडिया करने की वजह से अल्टीमेटली आपको एक्साइज ड्यूटी लेवी नहीं चार्ज किया जा रहा है। तो इस एक्साइज ड्यूटी को कंपनसेट करने के लिए क्या बोला गया आपके पास, एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया गया। हालांकि प्रैक्टिकली क्या बताओ, एक्साइज ड्यूटी लेवी होती है क्या, नहीं, पर आज भी कंसेप्ट एप्लीकेबल है। अगर आपसे बोला गया, ध्यान समझना, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कि आपके पास, आपको ये एग्जाम में खुद आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ेगा कौन सा लगाया कौन सा लगाया, आपको कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन जब समझना, आपको 31 लगाना है, 33 लगाना है, 35 लगाना है, 37 लगाना है, 39 लगाना है, ये कैसे लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, किस वैल्यू पे लगाया जाएगा, लगाना आपको सबसे पहले आपको सोचना है लगाना है या नहीं लगाना है, लगेगा तो किस वैल्यू पे, तो उसके बाद बात करेंगे, लगाना ही लगाना क्वेश्चन खुद बोलेगा। आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए 31 लगाया क्यों जाता है। हालांकि मैं इसके बिना बताया भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली 31 लगाया क्यों जाता है आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये गुड्स जो आप इंपोर्ट करो या गुड्स इंपोर्ट नहीं करते, इंडिया से लेते, इंडिया से लेते तो इंडिया में एक्साइज लगता, अब वो एक्साइज नहीं लग पा रहा है, क्यों लग पाया, गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया मंगाया, तो एक्साइज ड्यूटी को कंपनसेट करने के लिए जो ड्यूटी चार्ज की जाती है वो 31 की ड्यूटी चार्ज की जाती है। दूसरी बात, पर इंडिया में अब क्या आज की तारीख में क्या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने पे क्या एक्साइज लगती है क्या, नहीं नहीं लगती, तो 31 लगेगा क्या, नहीं। बट सम नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स, से एग्जांपल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अरे पेट्रोल ग्रूम, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, अर्गेटिंग में मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, इन प्रोडक्ट को अगर आप इंडिया में बनाओगे तो एक्साइज लगता है। सेम गुड्स, मतलब ये समझ में आया, 31 तब लगाया जाएगा अगर ये गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा होगा तो। बट आपको बोलूंगा आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग एग्जाम में मत लगाना, अगर क्वेश्चन ने बोला है 31 चार्ज करना है तो 31 चार्ज करो। सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा 31 चार्ज करना है चार्ज नहीं करना है, एक्चुअली क्या होगा, जब भी कोई गुड्स, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा है बताता हूँ आपको, आपको क्वेश्चन बोलेगा असेसेबल वैल्यू, क्या बोलेगा बेटा आपको, असेसेबल वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा 10 लाख रुपए। क्वेश्चन बोलेगा बी सी डी एट द रेट ऑफ 10%, मतलब आपको बीसीडी लगाना है 10% से बात करता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा ए सी डी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एट द रेट ऑफ 12%, दैट मींस इंडिकेट है कि आपको 31 की ड्यूटी चार्ज करनी है। अगर 31 नहीं दे रखा है तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, भावुक नहीं होने का, ऐसा वर्क पता है तो लगाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। और बेटा ध्यान रखना ए सी डी को बेटा सी वी डी अंडर सेक्शन 3
सबसेक्शन 1 के नाम से भी कभी बोले तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता है. काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहा जाता है. सीवीडी फुल फॉर्म क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बात करें तो सीवीडी 31 बोले या एसडी 31 बोले आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एडिशनल कस्टम ड्यूटी को बेटा काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहा जाता है. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, 31 के बारे में. 31 तब लगाया जाएगा अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा तो. इनफैक्ट मैं आपको इतना स्पेसिफिक बोल देता हूँ आप लोगों को, अगर मान लो आपको टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर रहे हो, क्वेश्चन बोला टोबैको टोबैको प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, अब आपको 31 लगाना है, इसकी रेटिबिलिटी गिवन ही नहीं है, तो आपको लगाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है. ये मत बोलना तो जीएसटी में पढ़ाया था, एक्साइज लगेगा, क्या क्वेश्चन ने बोला है क्या. सबसे पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा था, बोलता ही नहीं आपने कौन सा गुड्स इंपोर्ट किया, वो तो बोलता है गुड्स की एसेसेबल वैल्यू बोलेगा 10 लाख रुपए. आपसे बोलेगा 31 इतना, सीवीडी 31 एक ही बात है बेटा, या बोलेगा अंडर सेक्शन 33. और सबसे पहली बात 33 तो चार्ज होता ही नहीं है, बातें खत्म. सो 33 क्यों लगता है इसे बताऊँ. क्या जो गुड्स आपने इंडिया में बनाया मैन्युफैक्चरिंग लगाया तो उसके आप रॉ मटेरियल तो परचेस किया होगा, क्या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर हुआ होगा? अरे उसको लगता था. तो बेटा अभी प्रैक्टिकली मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये ड्यूटी लेवी होती ही नहीं है. 31, 35, 37, 39 ड्यूटी लेवी होती है, दैट्स इट. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? मैंने क्या बोला, 31, 33, 35, 37, 39 के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है. बोलो हाँ है ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो हाँ है ना, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो जवाब दो. मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझने का, कि ध्यान समझना. मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो क्या 31 समझ में आया? 33 क्यों चार्ज किया था? काम का नहीं, बट फिर भी बता दिया जो उस गुड्स को बना रहे हो उसको इंडिया में एक्साइज लगता, पर जो जिसके हेल्प से बन रहा है उसको रॉ मटेरियल हो सकता है, उस रॉ मटेरियल बनाया तो होगा, उस पर लगता है 33, पर वो काम का नहीं है, आजकल लगता ही नहीं है, बात ही करता बेटा. एडिट के 33 हटा दिया गया. अब मैं 31 की किस वैल्यू पर लगाया, मैंने अभी तक चर्चा आपके साथ नहीं की, मैं बात बताऊंगा 2 मिनट के बाद. अब मैं 35 के बारे में बात करता हूँ. क्या गुड्स आपने जो इम्पोर्ट किया, क्या गुड्स अगर आप इम्पोर्ट नहीं करते इंडिया खरीदते, इंडिया खरीदते इंडिया बनने पर लगता है एक्साइज, क्या बनने के बाद फैक्ट्री से बाहर निकलता है वेट लगता? अरे क्या वेट लगा क्या? नहीं. क्यों लगा? नहीं क्योंकि इंडिया से माल, इंडिया में माल इंडिया से बाहर से आ रहा है, तो उस वेट को कंपनसेट करने के लिए जो ड्यूटी चार्ज की जाती है उसे 35 बोलते हैं. और 35 किस वैल्यू पर लगता है इसकी चर्चा हम कुछ देर के बाद करेंगे. किस वैल्यू पर लगा इसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्यों लगता है इस चीज के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं. तो ये बेटा क्यों लगता है बेटा, मैं आपको बोलता हूं बेटा, एक्साइज को कंपनसेट करने के लिए लगता है, ये वेट को कंपनसेट करने के लिए लगता है. इज इट क्लियर? अरे हाँ है ना. ये क्यों लगता है बेटा, ध्यान समझना. क्या मुझे बताओ, इंटरस्टेट सप्लाई है इंपोर्ट करना? क्या सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई? तो क्या उस पर आईएस लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, इस लगेगा वो आईजीएसटी लगाया जाएगा. तो आईजीएसटी कैसे लगाया जाएगा, वो कस्टम में बोला गया है. याद करो जब मैंने आपको सप्लाई डिवीजन पढ़ाई थी तो मैंने इंपोर्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला था. तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो जीएसटी के तहत कवर होगा, बट अगर यही इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम के तहत कवर होगा. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि उस गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट पे जीएसटी लगाया जाएगा, जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, इस चीज के बारे में बात करेगा. कस्टम का सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 बात करता है. इसी के साथ साथ बोलूंगा बेटा आईजीएसटी कंपन जीएसटी सेस की बात करता हूँ. जीएसटी सेस को कंपनसेट करने के लिए 39 लगाया जाता है. किस वैल्यू लगाया जाता है इसी चर्चा हम अब आपके साथ करेंगे. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो हाँ है ना. सबसे पहले आपको यह समझ में आया किस वैल्यू पर लगता है. इनके अलावा भी और भी ड्यूटीज है बेटा, अभी तक तो ये तो नॉर्मल 31, 31, 35, 37, 39 के अलावा और भी ड्यूटी है बेटा. NCCD एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, सब्सिडीज सीवीडी ऑन सब्सिडीज आर्टिकल ड्यूटीज, इतनी ड्यूटी और चार्ज की जाती है. बोलो हाँ है ना. ये इनके अलावा ये ड्यूटीज भी चार्ज की जाती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे सेफ गार्ड ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सब ड्यूटी, ये ड्यूटी भी चार्ज की जाती है. तो मेरे को तो ठीक है, ये ड्यूटी सब किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे हम समझेंगे, बट मेरा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बेसिकली आपसे ये बताना है कि भैया ये ड्यूटी क्यों समझ में आपको आया, ये क्यों चार्ज की जाती है, इस चीज की चर्चा हम बाद में बात करेंगे. बोलो हाँ है ना.
वो इसकी चर्चा भी हम करेंगे नो डाउट, उसके बारे में बात करेंगे तब आप उसे. अभी तो बेसिकली इनके बारे में बात करते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन पे बेसिकली बनता है जनरली. हाँ बोलो. बट ऑब्वियसली बात है, अब ये वेट भी नोटिफाई कोर्स भी लगेगा. अगर अब मैं क्या बोला, वैसे भी आपको लगाना ही लगाना क्वेश्चन बोलेगा ना, 3-1 लगाना, 3-5 लगाना, 3-7 लगाना. क्वेश्चन क्या बोलेगा, 3-1 की रेट इतनी, 3-5 की रेट इतनी, 3-7 की रेट इतनी, 3-9 की इतनी, कितना परसेंट. मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया 5%, बोल दिया 12%, 12%, 28%, बस आपको बात खत्म, लगाना ही बस, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका. पर लगाना किस वैल्यू पे, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, किस वैल्यू पे लगाया जाएगा, इस चीज के बारे में हम आपको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. लगाना ही लगाना ही, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन खुद बोलेगा उस वैल्यू पे लगाया जाएगा, दैट्स इट. बोलो हाँ है ना. सबसे पहले बात बीसीडी समझ में, बीसीडी लगाया जाएगा समझना. मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब भी बीसीडी लगाने की बात करते हैं तो बीसीडी किस वैल्यू पर लगाया जाता है, ध्यान समझना. बीसीडी चार्ज ऑन असेसेबल वैल्यू. किसको लगता है बेटा? असेसेबल वैल्यू पे चार्ज किया जाता है. किस पे चार्ज किया जाएगा? असेसेबल वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, दैट्स इट. और बट कल जैसा कि मैंने बताया था, असेसेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है समझने के लिए, आप समझो ट्रांजेक्शन वैल्यू. तो ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब क्या, जितने में आपने इंपोर्ट किया वही तो ट्रांजेक्शन वैल्यू है. अरे यार बोलो, उस वैल्यू पे आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, दैट्स इट. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या जवाब दो ना. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? इसी के साथ साथ जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से बात करूं, बेसिक कस्टमिटी की मैं बात कर लें आपसे बेटा. अरे हाँ है ना. किस वैल्यू पे? असेसेबल वैल्यू. असेसेबल मतलब क्या, जितने में आपने परचेज किया उस वैल्यू पे. ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही क्या कहा जाता है बेटा? असेसेबल वैल्यू कहा जाता है. बट सम नोटिफाइड कैटेगरी गुड्स के लिए, मैंने कल बताया था आपने माल कितने में परचेज किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस गुड्स की जो नोटिफाइड वैल्यू है उस नोटिफाइड वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा. दैट मीन्स टैरिफ वैल्यू को याद आ रहा है? अरे यार बोलो ना. कल मैंने बहुत साफ साफ तो बोला था, जिस दिन की हम रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं उस दिन की हम क्या लेते हैं? टैरिफ वैल्यू भी लेते हैं, ये ध्यान रखना. मैंने क्या बोला, जिस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाती है उसी दिन की टैरिफ वैल्यू भी ली जाती है. इस चीज़ का अपने कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो जो आपकी टैरिफ वैल्यू है, कभी कभी या तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे या फिर किस पे, टैरिफ वैल्यू पे. सर टैरिफ वैल्यू पे लेना है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, दिमाग मत लगाना. क्वेश्चन खुद आपको बोलेगा, एग्जाम में आएगा कि जो गुड्स आपने परचेज किया उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी, 5 लाख रुपए है, और उसकी टैरिफ वैल्यू 6 लाख रुपए है. अगर टैरिफ वैल्यू दिख रहा है दैट मीन इससे इंडिकेटर है कि इस गुड्स के ऊपर टैरिफ वैल्यू पे ड्यूटी चार्ज करनी है. मतलब आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. अब आपके पास एक से ज्यादा टैरिफ वैल्यू अवेलेबल है तो टैरिफ वैल्यू किस दिन की लेनी है? सीधा सा फंडा, जिस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लोगे उसी दिन की क्या लोगे बेटा? आप टैरिफ वैल्यू भी लोगे. क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इसके बाद जब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब चर्चा आपके साथ करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ध्यान समझना बड़ा यार. एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चीज को बहुत ध्यान से आप पढ़ें. अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना. जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे बात किया, बोलो तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में हमने चर्चा आपके साथ कर ली. इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा देखें आप लोग बेटा, ध्यान समझना. तो ये समझ में आया किस वैल्यू पे बेटा? बोलो. अब मेरे को आपको समझाना था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये किस वैल्यू पे चार्ज किया गया, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ध्यान समझना, मैं जनरली बात करूंगा फिर टेक्निकल बात करूंगा, दोनों चीज को बड़े ध्यान से आप लोग समझना, कन्फ्यूजन ना हो. और कन्फ्यूजन होता है आपकी प्रॉब्लम है, आप ध्यान से मेरी बात नहीं सुनो तो कन्फ्यूजन होगा, बाकी कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता मेरी बात पे. ध्यान समझना, आपका मुझे कंसंट्रेशन आने वाले 25 मिनट में एकदम सॉलिड ही चाहिए. ध्यान समझना, नजर हटी अब दुर्घटना घटी, यहां तक प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर इसके बाद आपको बहुत सी प्रॉब्लम आने का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ध्यान समझना, ये मजबूत है तो फिर आपको ये बनेगा यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम आपको समझ में आने वाला नहीं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना. मैं जनरली बात करूंगा ये एसडी 31 किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है. जब मैं एसडी 31 के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ तो किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, ध्यान से समझना. नोट्स में एक चीज लिखी मिलेगी, आप ध्यान समझना बेटा. तो मैं पहले नॉर्मल बात, मैं धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाऊंगा और फिर आके एकदम चेंज भी कर दूंगा. पहले नॉर्मल केस की बात करेंगे, फिर हम कुछ अलग तरीके से बारे में आप लोगों से बात करेंगे. ध्यान समझना, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, बट फिर भी मैं वर्स से वर्स पोजीशन की तैयार करूँ कि मान लो कभी पेपर टेक्निकल आ गया, ईमानदारी से बोल रहा हूँ बड़ा कस्टम का, अगर असेसेबल क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो पॉइंट एक दो टैक्सेस उसने अलग डाल दिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ हर बच्चा इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये मेरा चैलेंज है. ध्यान समझना, मैं आपको वर्स से वर्स पोजीशन के बारे में आपको तैयार कर रहा हूँ चीज की. ध्यान समझना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो कि आपके पास असेसेबल वैल्यू होगी कितने रुपए की बेटा? 10 लाख रुपए की. इज इट क्लियर? फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट में एक समय के बाद पूरा बताऊंगा कि मेरा फॉर्मेट बार बार चेंज होगा, इसलिए आपको फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता भी आपको नहीं.
अब असेसेबल वैल्यू आपके पास आ गई, तो मैंने यहाँ पे बोला कि से एग्जांपल मैंने बोला आपकी असेसेबल वैल्यू आ गई कितने रुपए की बेटा, 10 लाख रुपए की, तो मैंने 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पे असेसेबल वैल्यू यहाँ पे ले लिया। इसमें ऐड किया जाएगा, क्या ऐड किया जाएगा बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। बोलो हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करना कितने परसेंट से बेटा, एट द रेट ऑफ 10% से, मैंने बोल दिया, तो 10% किस पे लगेगा बेटा, इस 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा। एग्जांपल मत लिखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे एग्जांपल हर बार में 2 मिनट में चेंज हो जाएंगे, आपका लिखा हुआ पूरा वेस्ट हो जाएगा। ऐड किया जाएगा, इसके बाद जब मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूंगा ACD 3-1 बोलू या मैं CVD 3-1 बोलू, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं बोल देता हूँ ACD की वैल्यू गिवन है एट द रेट ऑफ 10% 12% गिवन, तो 12% किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, 12% ऑफ BCD प्लस सॉरी AV प्लस BCD की वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा। बोलो हाँ है ना, मैंने क्या बोला, ACD प्लस किसे बोला बेटा, AV प्लस BCD दोनों मिलाकर जो वैल्यू आएगी उस पे चार्ज किया जाएगा। पर जब मैं एकदम टेक्निकल बात करता हूँ, ध्यान समझना, अगर एक्सपर्ट लो की बात करता हूँ, ध्यान समझना बेटा, 12% जो भी रेट ऑफ ड्यूटी होगी, ध्यान समझना, जो परसेंटेज ऑफ ड्यूटी वो चार्ज किस पे की जाती है बेटा, असेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस NCCD प्लस NCCD प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्लस ध्यान समझना, सर ये आप तो पढ़ाया तो है नहीं, आपको जमा लाने की आवश्यकता नहीं, आपके पास एग्जाम क्वेश्चन आएगा, जब टेक्निकल आएगा ना बेटा तो लेट डूबेगा। क्वेश्चन में आपके पास NCCD भी गिवन होगा, क्वेश्चन में आपसे BCD भी गिवन होगा और प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी आपके पास गिवन होगा। बोलो हाँ है ना, तो मैंने क्या बोला, किसी एग्जाम्पल आपसे ये ड्यूटी आपके पास, तो मुझे बताओ ये ड्यूटी गिवन है तो इनको मिलाकर जो अमाउंट आएगा इस पे चार्ज किया जाएगा। बट जब मुझे बताओ मैंने आपको रेट गिवन ही नहीं तो आप किस पे लगाओगे, असेसेबल प्लस BCD पे लगाया, मैंने आपको क्या बोला, टेक्निकल पॉइंट में फंस जाओगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया NCCD, क्वेश्चन दे दिया प्रोटेक्टिव ड्यूटी, तो इनको मर्ज, इन सबको सम करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर 10% लगाया जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बट अगर से एग्जाम्पल कुछ नहीं बोला गया है तो जो असेसेबल वैल्यू है, असेसेबल वैल्यू में बेसिक कस्टम ड्यूटी को मर्ज करना, दोनों को मर्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पे ड्यूटी आपको चार्ज करनी है, दैट्स इट, बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं। बट क्वेश्चन में मान लो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी गिवन है और NCCD की ड्यूटी भी क्वेश्चन में गिवन है और प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी गिवन है, इन दैट सिचुएशन फिर असेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस NCCD प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इन सबको टोटल करोगे फिर उसके ऊपर 12% ड्यूटी आप लगाओ। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, बोलो हाँ है ना। बोल, मैंने ये नहीं बोला है बेटा, ध्यान समझना, मैंने सिर्फ इन चार का नाम लिया, तो इसमें आप सेफ गार्ड ड्यूटी ऐड नहीं करोगे, डंपिंग ड्यूटी से एग्जांपल, ये बाकी ऑलरेडी मैंने नाम बोले उनको नहीं, सिर्फ ये चार ही बोला है मैंने, तो चार को ही लेने का, कंफ्यूजन ना हो इसका आप लोग ध्यान रखना बेटा। ये सारी बातें अपनी मनगढ़ंत नहीं है, ये सारी बातें सेक्शन 3 सब 2 में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, आओ आप नोट्स पे आओ बेटा, सेक्शन 3 सब 2 पे लिखा हुआ मिलेगा, फटाफट से आओ। Yes. जो होगा वो दोगे लगाओगे ना बेटा यार, जो होगा अगर आप बोलो सर ये नहीं दे रखा सिर्फ ये दे रखा, तो जो होगा वही लिखोगे ना बेटा, इसमें मैंने बोला बेटा अगर ये है तो ये लगाओगे, ये नहीं है सिर्फ यही ये ऐड करोगे बेटा, और ये भी नहीं है तो दोनों लगाओगे, अगर ये भी नहीं हुआ तो मत लगाना, सिर्फ SSB पे लगाया चार्ज किया जाएगा। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा, श्योर नाउ आप सेक्शन 3 सब 2 को रीड करो बहुत केयरफुली, ध्यान से बेटा देखो, ध्यान से बेटा सेक्शन 3 सब 2 के बारे में अपने बात करते हैं। एक हम सेक्शन 3 सब 1 दिख रहा है, उसके बाद आपको सेक्शन 3 सब 1 को लिखा है वैल्यूएशन ऑफ ACD अंडर सेक्शन 3 सब 1 द फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अंडर सब 1 एंड अंडर सब 3 द एडिशनल ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स वेयर सच बी ड्यूटी लेवेबल एनी परसेंटेज इट्स वैल्यू and the value imported article nothing was not withstanding anything contained under section 14 of the custom act 1962 be the aggregate value the value imported article determined under subsection 1 of section 14 that means transaction value or tariff value at such article fixed under subsection 2 on that of that section as the case may be and any sum any duty on custom chargeable on that article
अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 एंड यहां तक ठीक है, ध्यान समझना, एनी सम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल, ध्यान समझना, ये सेक्शन 3 सेक्शन 2 चल रहा है, एनी सम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल एनी लो फॉर टैम्पिंग इन फोर्स इन एडिशन टू इन द सेम मैनर एज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम बट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग. मतलब जब आप 3-1 की ड्यूटी चार्ज करोगे तो उस वैल्यू के अंदर आप कौन कौन सा आइटम नहीं लोगे, 3-1 नहीं लोगे, 3-3 नहीं लोगे, 3-5 नहीं लोगे, 3-7 लिखा हुआ नहीं है, 7 लिख दो ना, सबसेक्शन 9 लिखा हुआ है ना, पर 7 लिखा हुआ नहीं है, 3-7 नहीं लोगे, 3-9 नहीं लोगे, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लोगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लोगे, काउंटर ड्यूटी नहीं लोगे, मतलब इनके अलावा कुछ और ड्यूटी है सब ले लो, क्या नहीं लेना बोल दिया. अरे आपको क्या बोला, सेफ गार्ड, देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडरलाइन करो बेटा, आप सेक्शन से याद मत करो, आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लेना है, काउंटर वेलिंग ऑफ सब्सिडीज आर्टिकल आपको नहीं लेना है, सेफ गार्ड ड्यूटी आपको नहीं लेना है, 3-1 नहीं लेना, 3-3 नहीं लेना, 3-5 नहीं लेना, 3-7 नहीं लेना, 3-9 नहीं लेना, बाकी सब लेना. इस समझ में आपको आया? अरे यार बेटा, मतलब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लेना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लेना है, काउंटर वैल्यू सब्सिडीज आर्टिकल आपको नहीं लेना है, बाकी सब ले लो. अरे यार क्या समझ में आपको आया? अच्छे से देखो, ये पढ़ना इतना, देखो दंडली बच्चे क्या बोलता है पता है आपको, सिर्फ उसको बच्चे को ये याद आता है कि असेसेबल ले लू मतलब बिजी दोनों को मर्ज करो और लगा दो 12%, जो मेरे को लगा दो, फंस जाओगे. अब उसने हल्का सा पेपर चेंज किया, उसने बोल दिया एनसीसीडी ड्यूटी, क्या करोगे, बोल दिया उसने प्रोडक्ट ड्यूटी, क्या करोगे, सर सर ने बताया ही नहीं, हल्का सा चेंज बोल दिया उसने, प्रोडक्ट ड्यूटी लगा दिया, फंस जाओगे, ध्यान रखना. देखो वैसे तो इतना टेक्निकल पेपर नहीं आता है, बट हल्का सा कैसे, मान लो आपका अटेम लकी अटेम निकला, लकी ड्रॉ निकला, मान लो उसे बोल दिया, बोलो अरे एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ाने से क्या फर्क पड़ा, मुझे तो सारा पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया ना आपको, दैट्स इट, ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, जनरली आपको समझ में आ गया बेटा, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी को मैच लगा के लगाओगे, बोलो हाँ है ना, क्लियर बेटा. इतना लिखने का समय मैं नहीं दे पाऊंगा यार बेटा, प्लीज यार बेटा, है ना, ध्यान से थोड़ा सा स्पीड आपको रखना पड़ेगा, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करें, तो ये निकल के बाद क्या बीसीडी निकल के आ गया, बोलो क्या निकल के आया बेटा, इसके बाद बीसीडी निकल के आ गया, जवाब दो. अब बीसीडी निकलने के बाद जब हम आप लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है बेटा, ये तो हमने नॉर्मली बात कर ली, पर जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया, क्या समझना, जो गुड्स आपने क्या किया इंपोर्ट किया, उसके ऊपर हमने बोला 3-1 लगा, 3-1 लगा दिया, तो 3-1 कैसे लगाया, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी. अब प्लीज ध्यान समझना बेटा, मैं एक ही बार बोलूंगा, समझ में अच्छी बात है तो इग्नोर इट, ध्यान समझना बेटा. कभी कभी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एमआरपी बेस्ड से, एमआरपी बेस्ड क्या लगता है, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है. इंडिया में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या वैल्यू इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनको आपने कितने में बेचा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो उनकी एमआरपी है उस एमआरपी पे में से कुछ अमाउंट को लेस करने पे उस पे ही ड्यूटी चार्ज किया जाता है. तो बेटा अगर वही गुड्स आपने आपने इंपोर्ट किया, आपने उसको कितने में इंपोर्ट किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस गुड्स की जो एमआरपी होगी, उस एमआरपी में से जो एमआरपी होगी, उस एमआरपी में से कुछ अबेटमेंट होती है, उस अबेटमेंट को हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, उसके बाद ये जो अमाउंट आपके पास आएगा, इस अमाउंट पे आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1. फिर क्या असेसेबल वैल्यू, क्या बीसीडी, क्या एनसीसीडी, क्या बाढ़ में जाए, बात फर्क ही नहीं पड़ता है. सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एमआरपी बात करना है, सीधी सी बात, जिस गुड्स को आपने इंपोर्ट किया ना, क्वेश्चन हिंट देगा उस गुड्स की एमआरपी इंडिया में ये है, उस पर लगने वाली अबेटमेंट कितना 40% है, तो एमआरपी गिवन है, तो एमआरपी गिवन है, अबेटमेंट गिवन है, इन दैट सिचुएशन फिर एमआरपी में से अबेटमेंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर 3-1 लगाया जाएगा. अरे यार तो इससे क्या समझ में आया मुझे बताओ, या तो जो भी परसेंटेज ड्यूटी होगी, समझना ये तक समझ में आया कि परसेंटेज ऑन किस पे लगेगा बेटा, असेसेबल वैल्यू प्लस क्या बेटा, बीसीडी प्लस क्या बेटा आपके पास, एनसीसीडी प्लस क्या बेटा आपके पास, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, बोलो हाँ ना, इस पे लगा, और परसेंटेज ऑन क्या लिखोगे बेटा, एमआरपी माइनस अबेटमेंट, क्या सभी समझ में अच्छे से आया, और ध्यान समझना, और के बारे में अपन बात कर रहा हूं. अगर मान लो उस गुड्स के लिए, मान लो जिस प्रकार से क्या बीसीडी किस पे लगता है, कभी कभी असेसेबल वैल्यू लगता है, क्या कभी कभी टैरिफ वैल्यू लगता है, मान लो हो सकता है जिस गुड्स को आपने इंपोर्ट किया उस गुड्स को इंडिया पे मैन्युफैक्चरिंग करने पे
कितने बचे उस वैल्यू पे नहीं, एमआरपी पे नहीं, उसकी टेरिफ वैल्यू गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, उसी वैल्यू पे चार्ज करेंगे. इन दैट सिचुएशन फिर आपका परसेंटेज ऑन क्या होगा बेटा, टेरिफ वैल्यू होगा. उस टेरिफ वैल्यू पे यहां पे ड्यूटी चार्ज की जाएगी. अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना. हाँ बड़ा, पर वोट वन मोर थिंग, बीसीडी भी टेरिफ वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, बट उस टेरिफ वैल्यू कस्टम एक्ट के हिसाब से टेरिफ वैल्यू गिवन होगी. यहाँ पे भी टेरिफ वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, टेरिफ वैल्यू पे तब चार्ज किया जाएगा कि एक्साइज के हिसाब से टेरिफ वैल्यू गिवन होगी. यहाँ पे टेरिफ वैल्यू एज पर कस्टम एक्ट होगा और यहाँ पे टेरिफ वैल्यू एज पर एक्साइज एक्ट होगा, क्योंकि ये एक्साइज के हिसाब से कंपनसेट करने के लिए चार्ज की जा रही है. ये मत समझना बेटा कि वहां पे असेसेबल वैल्यू को समझ, ये मत समझना बेटा कि अगर यहाँ पे भी टेरिफ बीसीडी अगर टेरिफ वैल्यू पे चार्ज हो तो ये भी टेरिफ वैल्यू पे, ऐसा नहीं है. अरे यहाँ पे टेरिफ वैल्यू अगर एज पर एक्साइज लिखा होगा तो उस टेरिफ वैल्यू पे आप लगाओगे. ये टेरिफ वैल्यू एज पर क्या होगी बेटा, एक्साइज होगी. ये टेरिफ वैल्यू एज पर क्या होगी बेटा, कस्टम एक्ट होगी. इज इट क्लियर? कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से होगी. इज इट क्लियर? हाँ बोलो. मैंने ये कब बोला यार बेटा, मैंने बात बोली नहीं प्रायोरिटी के बारे में बात की बेटा. मैंने ये बोला अगर मान लो गुड्स, बट ऑब्वियसली बात है तो हमेशा गिवन होगा. इसमें कौन से बड़ी बता, मुझे बताओ बेटा, क्या असेसेबल वैल्यू बेसिकली तो हमेशा गिवन होगा, तभी तो 3-1 पे पहुंचोगे. प्रायोरिटी वाली बात कब बोली मैंने बेटा? मैंने तो ये बोला कि जिस गुड्स को आप इंपोर्ट कर रहे हो अगर उस गुड्स के ऊपर एमआरपी बेस्ड से हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगती है क्या बेटा? ये तो हर यार बताओ, ये तो हर केस में होगा ही होगा ना. प्रायोरिटी कैसे होगी मुझे बताओ ना. ये तो हमेशा गिवन होगा बेटा आपके पास, क्योंकि बेटा असेसेबल वैल्यू वैसे तो हमेशा आना, ये बात तो तय है. तो हमेशा तो फिर इसका कंसेप्ट का मीनिंग क्या रहेगा फिर बेटा? ये कंसेप्ट तो तब लगाया जाएगा बेटा कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उस गुड्स को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते तो उस पर एमआरपी बेस्ड लेस अबेटमेंट की सब एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज की जा रही है. तो फिर बेटा उसके ऊपर भी आपको भले असेसेबल वैल्यू गिवन हो, भली बीसीडी हो, इस पे चार्ज ना करते हुए फिर एमआरपी बेस से अबेटमेंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे चार्ज किया जाएगा. ऐसा मत समझना कि ये भी गिवन है, ये भी गिवन, प्रायोरिटी उसके उत्तर बढ़ाए तो हमेशा गिवन होगा ना. ये कब गिवन नहीं होगा मुझे बताओ? ये तो लगना ही लगना है. तो प्रायोरिटी नहीं, ऐसा फंडा एप्लीकेबल नहीं है. क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? अब आपके पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो फिर आपको इससे लगाना है. अब ये बोल सकते हो ये प्रायोरिटी हो जाएगी, वही कहने का मतलब कह सकता है. अभी आप बोलो सर ये भी क्यों तो प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर बोलो सर मेरा कहने का मतलब ये था. अरे नालायक पुत्र, जब प्रायोरिटी इसको नहीं मिलती फिर आप बोलोगे इसको प्रायोरिटी मिलेगी, दो में से एक चीज तो हो गई होगा. ध्यान से बेटा, जब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, अब सर ये तीनों गिवन है ऐसा नहीं हो सकता, ये मत बोल देना प्लीज. सर टेरिफ वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, अरे ऐसा कभी भी नहीं होगा. वो गुड्स या तो एमआरपी बेस्ड में होगा या फिर यहाँ होगा या फिर क्या नॉर्मल कैटेगरी में आएगा. नॉर्मल कैटेगरी में आएगा तो असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी पे चार्ज करना है, प्लस एनसीसीडी भी होगा, ये भी होगा. समझ में आया कि नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर? तो सबसे पहले बात किस वैल्यू पे चार्ज करना है, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिस चीज के बारे में हमने क्या किया, 3-1 के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ किया. इसके बाद 3-1 के बाद जब मैं बात करता हूँ किसके लिए, मैं 3-3 के बारे में जब आप लोगों से बात करूंगा तो 3-3 कैसे चार्ज किया जाएगा इस चीज के बारे में अपन को. 3-3 बेसिकली चार्ज किया जाता ही नहीं, तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जब बात करते हैं, ध्यान समझना. से एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया. क्या ऐड कर दिया बेटा मुझे बताओ? CVD 3-1 लिखूं या ACD 3-1 लिखूं, इस बात से बिल्कुल फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए. कितने परसेंट से बेटा? 12% से. कितना आएगा? 11 लाख का 12% कितना होता है? 1,32,000. क्या जरूरी समझ में अच्छे से आया? बोलो. अब बताओ इसके बाद अमाउंट कितना है? 12,32,000 रुपीज का अमाउंट आपके पास आ रहा है. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो. अब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ. अब आपसे क्या चार्ज किया जाएगा बेटा मुझे बताओ? क्या चार्ज किया जाएगा? 3-5. पर 3-5 से पहले यहां पे ऐड किया जाता है 6. क्या चार्ज किया जाए? 6. अमेंडमेंट है, आपने पहले पढ़ा होगा, यहां पे 6 था पहले, एजुकेशन 6 हुआ करता था. अब यहां पे नया वर्ड आ गया है, सोशल
welfare says. Yes, sir. Huh? अरे नहीं करिएगा, अरे मत, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या आता है इसका बाढ़ में जाने दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैटर करेगा, ध्यान समझना। कृषि कल्याण से स्वच्छ वाला से इसके बारे में कुछ भी सोचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान समझना। सोशल वेलफेयर से लगा जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। अब समझना क्या सेस किस पे लगता है, टैक्स एलिमेंट पे लगता है। गलती से आप ये टैक्स 12,32,000 पे मत लगा देना, सिर्फ सेस हमेशा, सेस का हमेशा कंसर्न टैक्स एलिमेंट पे लगता है। तो बताओ क्या आपका टैक्स एलिमेंट ये है, टैक्स एलिमेंट आपका ये है, तो ये 10% जो चार्ज किया जाएगा ऑन विच वैल्यू बेटा, 1,00,000 + 1,32,000 दोनों की वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट रहा कितना आ रहा है मुझे बताओ, 23,200 रुपीज इज अमाउंट। बोलो इसमें अब ऐड करो कितना, 12,55,200 रुपीज आपके पास आता है। बोलो हाँ है ना, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, अरे हाँ है ना, बोलो क्लियर। उसके बाद इसमें हम ऐड किया जाएगा, अब लगाया जाएगा बेटा ACD 35, और ACD 35 बेटा हमेशा इस एलिमेंट पे लगेगा। किस एलिमेंट लगेगा 35 बेटा, इस एलिमेंट पे लगेगा। मतलब सीधी सी बात, एक बात बताऊं सुनो क्या बेटा, अभी मैंने सुनो, अगर टेक्निकल बात करूं 31 किस वैल्यू पे लगता है बेटा, सुनो ना यार प्लीज, आप लिखे दें टेक्निकल, अगर मैं टेक्निकल बात करना चाह रहा हूं, अगर टेक्निकल जब मैं बात करूं तो 31 किस वैल्यू पे लगता है, परसेंटेज जो भी होगा ऑन किस पे बेटा, एसेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस NCCD प्लस बोलो प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी, मैंने यही बोला था आप लोगों को बेटा, प्लस प्लस CVD प्लस सी प्लस सी या प्लस ACD 31 प्लस सोशल वेलफेयर सेस। क्या बट ओबीसी के बाद ध्यान से होगा क्या, यहां तक में सब NCD में सब लग चुका होगा, अरे हाँ है ना, बोलो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना, मैं इतना टेक्निकल जा रहा हूँ बेटा, इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आएगा, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ पोस्टपोन हो सकती है, अगर ये पेपर एग्जाम में नहीं होगा फिर बोल रहा हूँ। आप पेपर जाओ देखना, पेज ब्लड सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही मिलेगा आपको, क्या समझ में आपको आया बेटा, बोलो कुछ डाउट है। नाउ अगले पॉइंट के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात, ध्यान समझना बेटा, अगले पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एनसीडी प्लस प्रोटेक्टिव, इन सबको मिलाकर जो आएगा इसके बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया, बोलो हाँ है ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। इसी के साथ साथ एक बात आपके साथ और चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, सर क्या चर्चा करना चाहता हूँ बड़ा ध्यान से आप लोग समझो, एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एनसीसीडी प्लस प्रोटेक्टिव प्लस, ये सबके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, आपको जवाब दो बड़ा, जवाब दो मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये इस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, मतलब देखा है तो अदर देन, क्या जब अभी हमने 32 पढ़ा था तो उसमें अदर देन हमने क्या पढ़ा था, 31, 33, 35, 37, 39 से बात किया था, यहाँ पे अदर देन क्या आएगा बताओ, लो थ्री देखो अदर देन 37, 39 और प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेफ गार्ड ड्यूटी सब आएगा, देखो लो अपना बन गया। अब आप सेक्शन बन, सेक्शन 3 ये 5 लगा रहे हैं तो 36 में गिवन होगा, 36 जाके नोट्स में पढ़ो आप लोग जाके, 35 नीचे थी गिवन 3, अरे हाँ है ना, देखो ना बेटा वहां पे क्या देगा, बट डज नॉट इंक्लूड अंडर सेक्शन 35, 37, 39 सेफ गार्ड ड्यूटी काउंटर पेनल्टी एंटी, क्या सेम कुछ गिवन है, क्या समझ में आपको आया, बस सब ले लो उसको छोड़ के, अरे हाँ है ना, अल्टीमेट सब ले तो लिया, पर अभी मैंने सीधी सी बात, सिर्फ दिमाग लगाना नहीं हो आपको, रट्टा फिकेशन करना हो, इस वैल्यू पे लगा देना, बात करता हूँ, हो गया आंसर, किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे लगा देने का, बात खत्म, आपका काम बन गया, अरे हाँ है ना, क्योंकि जब ये अमाउंट आएगा तो इसमें सब कुछ जुड़े हुए आएंगे ऑलरेडी बेटा वैसे, अरे हाँ या ना, क्लियर। अब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ पर मान लो
3-5 की रेट गिवन है, कितना परसेंट बेटा? 4%. तो 4% ऑफ 12,55,200 पे चार्ज किया जाएगा. उसके बाद 4% से अमाउंट कितना आता है बेटा? 50,208. कितना अमाउंट आता है बेटा? 13,05,408 विल बी योर आंसर. एम आई राइट? अब क्या चार्ज किया जाएगा? अब कौन सा सेस? अरे इससे पहले 3-7 आता है, उसके बाद 3-9 आता है. अभी हम 3-5 पे हैं, 3-7 तो हुआ ही नहीं. बोलो हाँ या ना. अब बेटा मैं यहां तक सिर्फ आपसे बात करूंगा, 3-7, 3-9 के लिए अमेंडमेंट से इसकी चर्चा को देर के बाद हम बात करेंगे. तो ठीक है, अभी नॉर्मली बात कर लेते हैं. क्या सभी समझ में आया तक आया? अब हम बात करते हैं से एग्जांपल 3-7 के बारे में. आप लोगों से बात, 3-7 किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा? यहाँ पर ऐड करेंगे बेटा, ध्यान समझना, ध्यान समझना. मैं यहीं पे एसीडी 3-7 लगा रहा हूं और यहीं पे मैं ऐड करके बेटा एसीडी 3-9 लगा रहा हूं. दोनों इसी वैल्यू पे चार्ज किए जाते हैं. बात करता हूं, एसीडी 3-9 और 3-7 दोनों इसी वैल्यू पे चार्ज किए जाते हैं. मान लो ये, मान लो कितना परसेंट है बेटा? 18% है. ये कितना परसेंट है? 28% है. तो 18% भी इस अमाउंट पे, 28% भी इस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा. समझ में आपको? इसी वैल्यू पे 3-7, इसी वैल्यू पे 3-7, इसी वैल्यू पे 3-9 चले. तो मान लो 18% गिवन है, कितना परसेंट? 18%. 13,05,408 का 18% कितना होता है? निकालो. 2,34,970. हाँ, कितना आ रहा है नेक्स्ट? और वन मोर थिंग, अगर पॉइंट डेसिमल में आया तो डेसिमल ही बोलना, आप राउंड ऑफ मत कर देना. मैं फिर बोल रहा हूं, राउंड ऑफ के राउंड ऑफ किया क्या पॉइंट्स में आ रहा था? तो 3 पॉइंट. तो ये जितने भी आ रहे हैं सब पॉइंट्स पॉइंट्स मान देना. राउंड ऑफ गलती से मत कर देना. फिर वो कल दिया, गलती आपकी है, मैंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला क्या, तो आपने क्यों कर दिया? मार्क्स कट गए, एक छोटी सी गलती. नेक्स्ट, इसी का 28% कितना आता है? हाँ, 1,90,058,19,00,000. अरे फिगर थाउजेंड्स बोलने नहीं आते हो बेटा. बॉस हो गए केबिन में, ऑफिस में धक्के देके बाहर निकालेगा. मैं फिर बोल रहा हूं आपके अंदर, केबिन के अंदर अगर ये हालत 1,90,05 फिगर बोलोगे, बॉस आपको एक बार में नौकरी से बाहर नहीं कर देगा. आपको ध्यान रखना बेटा, वो आपके लिए 1,925 सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ आपका बॉस वहां पे. आपने तरीके ही नहीं है, फाइनल में आ गए अभी तक. आप सिर्फ ये सीख रहे हो कि फिगर कैसे बोलते हैं बेटा यार. लैक्स फिगर बोलने नहीं आते कैलकुलेटर ढंग से, क्या आप लोगों को? गजब करते हो. मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये गलतियां यहाँ करो तो ठीक है. जब करियर में जाओगे प्रैक्टिकल में बॉस के सामने अगर आपने सीरियस से बोल दिया ना 1,905, बोला चल बाहर निकल यहाँ से, कल आना, बात ही नहीं करेगा आपसे वो. आप में ये तरीके, इतने मैनर्स नहीं आपसे बात, मतलब फिगर कैसे बोलते हैं इस चीज के लिए यहां तक आ गए आप लोग यार. फिगर 1,905 10-10 बार बोल रहे हो, ध्यान समझ रहा, कितना फिगर आ रहा है? अगर गलती से किसी ने बोले ना 1,905 क्लास में बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना बेटा आप लोगों को. अभी निकलोगे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आपका बॉस आपको बाहर निकाला धक्के मार के बेटा. कितना फिगर आ रहा है? 19,05,890.68. अब इसको जैसे ही लिखा, समझना बेटा इतना फिगर आया. अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बेटा, ध्यान समझना, 19,05,896. इंटायर टैक्स में अमाउंट ऑफ नियरेस्ट रुपीज वन में किया जाता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. 0.5 और मोर देन कन्वर्टेड इनटू रुपीज वन. दिस इज व्हाट, ये क्या चीज है? ड्यूटी अमाउंट नहीं,
इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कहा जाएगा. बट मैंने तो अभी तक ड्यूटी अमाउंट तो बोला ही नहीं. ड्यूटी अमाउंट कितना होगा समझना, क्या ये ड्यूटी का अमाउंट है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, इन सब का सम कर लो, आंसर आएगा कितना? 905896. एक तरीके से सबका सम करो, शॉर्ट ट्रिक सीधी सी बात बेटा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करो, अल्टीमेटली आंसर यही आएगा. अरे हाँ है ना, बोलो. कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करता है एग्जाम के अंदर, दिस वन प्लस 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 दिस वन जोड़ता है. अरे क्यों करने का मुझे बताओ ना यार, क्या इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया, राइट, ये अमाउंट आएगा. आर यू गेटिंग मी? इसको बोलेंगे ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम. क्या समझ में आपको आया बेटा? और मैंने अभी तक अमेंडमेंट नहीं पढ़ाया है, ध्यान समझना. ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, मैं हर बच्चा कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं. पर जो हम अमेंडमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर उसने अमेंडमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा, क्वेश्चन का गलत है. अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से. तो इससे समझ में आ गया, एसीडी 1333353739 किस वैल्यू पे चार्ज किया था. और एक बात बोलता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा, मैं आपसे बोलता हूँ 3135 3739 एक साथ कभी चार्ज नहीं हो सकते हैं. कैसे पॉसिबल बताऊँ? क्या किसी गुड्स पे एक्साइज भी लग रहा है, वेट भी लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है, सब लग सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या 3-5 वेट का है, ये किसका, एक्साइज का है, ये जीएसटी का, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं. 3137 और 39 एक बार हो सकता, लग सकता है, बिकॉज ऑफ टोबो की टोबो प्रोडक्ट. क्यों? टोबो प्रोडक्ट बनाने पर क्या लगता है? एक्साइज. और बेचने पर क्या लगता है? जीएसटी. सिर्फ एकमात्र केस है, बाकी हर केस में क्या होगा बता रहा हूं. या तो लगेगा बीसीडी प्लस 3135 या लगेगा बीसीडी प्लस 3739, दैट्स इट. बट मान लो एग्जाम में टेढ़ा निकला, आपको चैलेंज नहीं कर सकते हो. उसने बोल यार क्वेश्चन आया 3-1 भी गिवन है, 3-3 भी गिवन है, 3-3 तो नहीं होगा, 3-1 होगा, 3-5 होगा, 3-7 3-9 क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ के मत आना. बोल देगा तेरा अटेम्प्ट गलत है, चल अगले अटेम्प्ट में आना. अगर उसने 3-1 3-5 3-7 3-9 दे रखा है तो सब लगा के आओगे, जैसे मैंने बताया. ऐसे वन मोर थिंग, वो सोशल वेलफेयर के लिए कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये आपको खुद को लगाना पड़ेगा. ये मत समझना 3-1 3-3 3-5 3-7 3-9 के लिए बोलेगा, आंसर इज नो, वो कभी भी नहीं बोलेगा. ये आपको हमेशा लगाना है एट द रेट ऑफ 10%. अगर आप सॉल्यूशन देखो, मान लो किसी बुक को देखो, अगर वहां पे 3% दिख रहा है तो उसको कट कर देना, मॉड्यूल देखोगे 3% दिखेगा, कट कर देना, गलत है. आपको सबसे मॉड्यूल तो फॉलो करना ही नहीं है. बात ही खत्म. रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, क्यों मॉड्यूल में तो मैं आपको फिर बोल देता हूँ, 3 सॉल्यूशन गिवन है और 3 सॉल्यूशन गिवन है, तीनों में कभी कभी तो उन्होंने क्या किया, किसी को लिया किसी को नहीं लिया, किसी को, वो मॉड्यूल में सॉल्यूशन गिवन है. आप लोगों ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या गिवन है, कभी कभी तो क्या किया उन्होंने, बीसीडी प्लस सीबीडी एड करके लिया, कभी कभी छोड़ के 3-7 लगाया. मॉड्यूल बहुत गंदा है, गंदा नहीं है, बहुत गंदा है. तो प्लीज मॉड्यूल में क्या रखा है मैं उसके डाउट्स कभी भी मैं नहीं लूंगा, मैं आपको फिर बोल देता हूँ. क्योंकि जो मॉड्यूल लिखा हुआ इंस्टीट्यूट उसके कॉपी चेक के पास आंसर होगा ही नहीं वैसे भी वाला, आपको ये ध्यान रखना. इज इट क्लियर? मॉड्यूल में कुछ भी दे रखा है वो गलत है, 100 बात की एक बात. क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्या समझ में आया? नॉर्मल प्रोसेस के बारे में आप लोगों से हमने बात किया, अब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ. अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना, बहुत अच्छा बहुत टेक्निकल पॉइंट बोलने में जा रहा हूँ. क्या अभी तक आपको 3133 3739 किस वैल्यू पे चार्ज करना सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया? अब मैं एक केस बनाता हूँ, ध्यान समझना, बहुत अच्छा केस बनेगा, उसके बिहार पे हम पढ़ेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आपके पास आएगा. और क्योंकि बेटा आपके नोट्स में 37 गिवन है, 38 गिवन है, 39 गिवन है, 310 गिवन है, पर मैंने अभी 38 सबसेक्शन 8A लिखा था, सेक्शन 3 सबसेक्शन 10A भी लिखा था. तो बट ऑब्वियसली बात, 38 किसके रेफरेंस में बेटा? 37 के रेफरेंस में. 310 किसके रेफरेंस में बेटा? 39 के रेफरेंस में. तो 38A जो नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, आप एक काम करना, डायरेक्ट ढूंढना घर जाके, और 38A को, 38A आप नोट्स में जाके घर जाके बेटा, अभी नोट्स में अवेलेबल नहीं है हालांकि,
आप नोट्स में जाके सेक्शन 38A बेरेक्ट ढूंढना. अब बेरेक्ट को किसका ढूंढोगे? कस्टम एक्ट 1962 को ढूंढोगे? गलत. मैं पढ़ा रहा हूँ कस्टम ट्रेडिफ एक्ट 1975 को ढूंढोगे ना? सही तो बताया ही नहीं. और ये बताऊंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा कस्टम ट्रेडिफ एक्ट 1975 पढ़ा रहा हूँ तो उसी का लोग है. तो यहाँ समझना, अंडर सेक्शन 3 10A आप तो एक काम करना, राइट सर्च करना अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 ऑफ द कस्टम ट्रेडिफ एक्ट 1975, अपने आप आएगा. ये लिख देना नोट्स में जाके, दैट्स इट. जहाँ 38 लिखा हो 38 के नीचे जाके लिख देना 38A. जहाँ सेक्शन 3 से 10 लिखा हुआ है उसी दर्जी में लिख देना 38 10A लिख देना. ये कब एप्लीकेबल होगा इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना. लेट्स सी अब इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करो. 38A समझ, वन मोर थिंग, क्या आपको 38 समझ में आया था? देखो 38 क्या बोलता है बताए, किस वैल्यू पे 37 लगेगा? अरे यार, और 39 के लिए क्या बोला? 310 बोलेगा, वो भी किस वैल्यू पे लगेगा? इस वैल्यू. तुमने देखा है तो जो 38 में लिखा हुआ 310 में लिखा हुआ, जाके देख लेना, भरोसा नहीं हो मेरी बातों पे. तो अब ध्यान समझना मेरी बात पे, 38A अगर समझ में आ गया तो ये बात तय बात 310A समझ में आ गया. बोलो भाई ना, वो किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा इस चीज के बारे में अपन को यहां पर समझना है. जान समझना, ये आपका इंडिया, हमने यहां बात किया, ये आपका इंडिया है. और ये क्या है TWI? क्या इतना हिस्सा अल्टीमेटली आपका क्या है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है. ये आपका क्या है बेटा? USA के बारे में आप लोगों से बात करूंगा. बोलो हाँ ना. तो जब USA के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ से यह जब होगा उस किस ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ. बेटा बाद में खा जाना 5 स्टार, मैं 5 स्टार कंसेप्ट समझा रहा हूँ बेटा. और ये दिक्कत आएगी बात है बेटा. क्या मुझे बताओ, इससे पहले यहाँ पर गुड्स को आपने सेल किया, उस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाई सीज सेल बोलते हैं. इज इट क्लियर? अब मैं बोलता हूँ कि माल किसने परचेज किया? ए ने माल किसको बेचा? बी को. मैडम ध्यान से प्लीज, आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा, ध्यान समझ. और बी ने माल किसको बेचा? सी को. सी ने माल किसको बेचा? डी को. और ये गुड्स यहाँ से डी ने गुड्स ट्रांसफर कर दिया किसको बेटा? वेयर हाउस को. और यहाँ से गुड्स वापस आपके पास आ रहा है, ध्यान समझना. ये माल यहाँ से अभी तक डी ही है, पर डी ने माल किसको बेच दिया? ए ने. और ई ने माल बेच के यहाँ पे लेके आ गया. समझना मेरी बात कंसेप्ट को, बड़ा ध्यान से बेटा. मैं अगला एग्जांपल लूंगा, जो डी ने माल बेचा एफ को, एफ को बेचा जी ने, उसकी कंसेप्ट भी लाऊंगा. पहले नॉर्मल कंसेप्ट की बात करते हैं, ध्यान समझना. ये 38A के बारे में बात करेंगे. तो मुझे बताओ, जो माल ए ने परचेज किया, ए ने कितने परचेज किया? मान लो 1,00,000 रुपये में परचेज किया. ये माल 1,00,000 में परचेज किया, ध्यान समझना. जब 1,00,000 की बात करता हूँ तो उस केस में ये माल ए ने बी को बेच दिया 1,20,000 में. सी ने माल, अब मुझे बताओ सी ने माल, ओहो ये ए ने खरीदा 1,00,000 में. समझना ये प्राइस किसके लिए? ए के लिए. ये प्राइस किसके लिए बेटा? बी के लिए. मतलब ए ने माल किसको बेचा? बी को. सी तो बी के लिए प्राइस है. यहाँ जब बात करता हूँ तो 1,28,000, और जब हम बात करते हैं 1,30,000. इज इट क्लियर? ये जो तो सप्लाई होगी इस पे IGST एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा बात करो, जबकि सप्लाई तो है पर सप्लाई नहीं माना जाएगा. अभी सर्कुलर है और अगले टाइम में इसके लिए क्या जाएगा, स्कूल 3 में पॉइंट गिवन है जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है. क्योंकि बेटा GST में नया एक्ट आ गया, GST एक्ट 2018 निकल जाना. मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा इस अटम में. हाँ CGST एक्ट 2018 आ गया, अगले टर्म में एप्लीकेबल है. ऐसे सर मत पढ़ाओ सर पे बेटा, पास आपको होना पड़ेगा, दैट्स इट. सीधी से बात नहीं, तो मेरी कमाई हमेशा रुकने वाली नहीं है इसके अंदर. हाँ मैं, हालांकि ये मैं वादा है आपको, निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस बशर्ते मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे क्लास में पढ़ा हुआ हर रोज जो रिविजन लेक्चर चल रहे हैं अभी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ घर जाके उतना अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया, जब मैं भी क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाऊंगा अगर आपने सोल्व कर लिए, ये मेरा वादा है आपके एग्जाम में एटलीस्ट 60 मार्क्स आएंगे. बट अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर लापरवाही करते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ घर जाके उसको रिकॉल नहीं करते हो, और मेरे क्वेश्चन बैंक का आप सॉल्व नहीं, मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा अभी आपको. ये पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, गारंटी 55-60 मार्क्स मिनिमम साइड पे आपको आने हैं. फिर आपकी काबिलियतें, आपने जितनी मेहनत की उतने मार्क्स आपके ऊपर आएंगे. 60 मार्क्स से जवाबदारी मेरी, 60 से ऊपर जवाबदारी आपकी खुद की होगी. वो जवाबदारी वो आपके खुद के एफर्ट से आएंगे, मेरे एफर्ट से नहीं आएंगे. इतना सा भी रिवीजन में मैं आपको, मैंने GST 10 दिन 12 दिन पढ़ाया आपको, उतना अच्छे से कर लिया, उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना था.
दैट्स इट, वो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन बैंक अलग से. कस्टम में इतना पढ़ा रहा हूँ अभी, जैसे हो गया मैं कस्टम वाली में, मैं क्या बोला जितना मैं बोला उससे दो दिन ज़्यादा लग रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ना है. पर मैं आपको हर एक चीज़ जो मैं रेगुलर बैच में कवर कराता हूँ उसकी एक लाइन में आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ. ये पढ़ लिया क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, दैट्स इट. डी टी क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, दैट्स इट. इतना भी आपने कर लिया तो भी मच मोर सफिशेंट है. और सिर्फ आप 20-25 दिन एक महीने के अंदर पूरा सब्जेक्ट में आपको कवर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप घर पे बैठोगे ना, मैं फिर बोल रहा हूँ एक महीने में घर में ये सब्जेक्ट्स आप कवर नहीं कर सकते हो. सिर्फ मैं आपसे 2.5 घंटे रोज यहाँ मांगता हूँ और घर जाके आधा घंटा मांगता हूँ, 3 घंटे हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या लोगे. तो 3 घंटे में 25 दिन में टैक्स जैसा सब्जेक्ट को खत्म कर रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ा काम है आप लोगों के लिए. अब ये चीज़ आपको इतने हलवे चीज़ मिल रही, तो इसको आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे तो फिर आपके एग्जाम में सब्जेक्ट आपकी वैल्यू नहीं करेगा. मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ बेटा, इसकी वैल्यू अभी कर लो तो एग्जाम में आपको वैल्यू मिलेगी. अगर आप इसकी वैल्यू अभी आप नहीं कर रहे, उसको आप लेट गो कर रहे हो, तो एग्जाम में आपको लेट गो कर दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा. ध्यान समझना, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना है. जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका लक्ष्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम नॉर्मल बात करेंगे, इसलिए ए ने खरीदा 1 लाख रुपए के अंदर, ए ने माल बेचा बी को कितने में, 1:20 के अंदर, बी ने माल बेचा सी को कितने में, 1,28,000 में, डी ने माल कितने में खरीदा, 1,30,000 में. तो अब ये माल यहाँ से आ गया, डी ने ये माल इसको कितने में बेच दिया बेटा, 1,40,000 रुपये में. कितने में खरीद दिया, 1,40,000 में. अब मुझे बताओ जब गुड्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल कर, बिल ऑफ एंट्री फाइल बाय डी या ई? हाँ, ई कहाँ से आ गया समझ में नहीं आया मेरे को. जब गुड्स का मालिक यहाँ पे डी है और डी ने यहाँ जाके बेचा, तो गुड्स को यहाँ से आने के लिए डी ने, अरे डी करेगा ना, कहाँ से आ गया ई? अब जब बोलता हूँ जब गुड्स को यहाँ से यहाँ छुड़वाना है तो उसकी बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, ई या डी? हाँ, ई या डी? ई करेगा, डी नहीं करेगा, क्योंकि माल छुड़वा कौन लेके आ रहा है, ई. तो बिल ऑफ एंट्री भी फोन, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो माल को ट्रांसफर करेगा, बिल ऑफ एंट्री डी. जब माल को यहाँ छुड़वाएगा तो कौन करेगा बेटा आपके पास, ई. सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान समझना. अब सिंपल सी बात यहाँ पे समझना, किससे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा पॉइंट बोलो मैं इसके लिए क्वेश्चन. तो मुझे बताओ देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है बीसीडी गिवन है एट द रेट ऑफ 10%, ध्यान समझना. और मैं 3-1 बात नहीं बोलूंगा, 3-5 में नहीं बोलूंगा बेटा, क्यों 3-1 3-5 जनरली चार्ज नहीं की जाती, 3-7 3-9 का नाम लूंगा. मैं तो बोलता हूँ 99% केस में 3-7 लिखा हुआ, 3-9 लिखा हुआ भी नहीं आता एग्जाम के अंदर. लकी हो आप लोग, 3-9 लिखा हुआ आपको नहीं आएगा. तो सिर्फ एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आपको बेटा, 3-1 गिवन है, 3-1 बोलूँ क्या, तो 3-1 बोल देते हैं. एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा, 12%. 3-5 बोल देता हूँ बेटा, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा, 4%. 3-7 बोल देता हूँ एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा, 12%. और 3-9 में बोल देता हूँ एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा, 28%. बोलो हाँ है ना, समझना क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को मैं चेंज भी करूंगा कुछ देर के बाद. अब मुझे बताओ ध्यान समझना, तो बताओ ड्यूटी पेड बाय ए बी सी डी ई, हु इज लेबल टू पे ड्यूटी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी. ए भी तो पिक्चर में कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे, क्योंकि इम्पोर्टर के डेफिनेशन में तो बेटा कौन कौन आएगा मुझे बताओ, इम्पोर्टेशन में बी भी आएगा. क्यों नहीं, सी को तो माल यहाँ बेचा, तो क्या जिस दिन माल इंडिया में आया तो बी तो मालिक था ना गुड्स का, तो है सी को माल यहाँ बेचा ना, और सी को यहाँ आने के बाद बेचा, समझना शब्दों का बहुत ध्यान समझ. तो मैं सबसे बोलूंगा आपके लिए, सबसे पहले मैंने बोला था ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी क्या बनेगा, असेसेबल वैल्यू. तो व्हाट विल बी योर असेसेबल वैल्यू, ध्यान समझना. असेसेबल वैल्यू के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे. असेसेबल वैल्यू कितनी होगी, मैं बताऊँ हाई सी सेल क्या, ए ने कितने में खरीदा 1 लाख में, पे ए ने किसको बेचा बी को, कितने बेचा 1,20,000. जिस दिन गुड्स इंडिया में आ रहा था उस दिन इसकी मार्केट प्राइस कितनी थी बेटा, 1,25,000 रुपये. इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, तो माल इंडिया में, तो बी इज इंपोर्टर यस, सी इज इंपोर्टर यस, डी इज इंपोर्टर यस, डी इज इंपोर्टर यस, ई इज इंपोर्टर यस यस. असेसेबल वैल्यू क्या होगी, बी लेके आ रहा ना, तो बी के लिए वैल्यू कितनी थी ट्रांजेक्शन वैल्यू, 1,20,000. 1,20,000 रुपए इसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा किसके लिए, ई के लिए. ड्यूटी कौन पे कर रहा है, ई, ई इज लेबल टू पे ड्यूटी. तो ई जब पे करने जाएगा तो ई के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 1,20,000 रुपए. इज इट क्लियर? अरे हाँ ना, हाई सी सेल है सर. पिछले केस में कुछ बताया, पिछले केस में नॉर्मल था, ए ही लेके आए, ए लेके आए यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं. भले मल्टीपल सेल हो गया तो भी असेसेबल वैल्यू कितनी रहेगी बेटा आपके पास, 1,20,000. इसमें ऐड किया जाएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने परसेंट, 12%. तो 12% ऑन विच वैल्यू,
और 10% ऑन 120,000, कितना अमाउंट आया बेटा आपके पास? 12,000 रुपये आपने इसको पे कर दिया. आपके लिए अमाउंट कितना आया बेटा? 1,32,000 रुपीज़ आया. इसमें हम ऐड करेंगे बेटा, क्या बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, समझना, ए सी डी फी वन शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा. आप लोग लिखोगे एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन, पूरा लिख के आओगे एग्जाम के अंदर बेटा, क्लियर. ये किस वैल्यू पे लगेगा बेटा मुझे बताओ, आपके पास कितना परसेंट बेटा? 12% ऑन विच अमाउंट बेटा आपके पास? 1,32,000. इज इट क्लियर बेटा? बोलो तो कितना अमाउंट आएगा? 15,840. इज इट क्लियर? ये अमाउंट आपके पास बताओ, कुल अमाउंट कितना था? 1,47,840 रुपीज. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जब इस चीज के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? सोशल वेलफेयर सेस एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा? 10%. 10% ऑन विच अमाउंट बेटा? 12,000. ये ऐड करना पड़ेगा 10% से बेटा. 10% क्वेश्चन ने बोला नहीं, बट मैंने बोला लगाना ही पड़ेगा. ऑन विच अमाउंट बेटा आपके पास? 12,000 प्लस 15,840 बेटा, बोलो. तो इस अमाउंट पे चार्ज किया जाए कितना अमाउंट? 2,874. अरे ये क्या होता है? 784. ये फिगर बोलने तरीका होता है? कितना? 2,784. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? कभी जाओ जॉब पे बेटा, जब बॉस निकालेगा बाहर तब समझ में आपको आएगी. तो बोलोगे यार सर सही बोलते थे, मैडम सही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है? कोई सोच आपको धज्जा उखाड़ देंगे 10 लोगों के सामने बैठा, समझ आपके वहाँ ऑफिस में आप भी हो, वहाँ पर आर्टिकल भी बैठा हुआ है, आर्टिकल के सामने आपको एक सीएससीएस की वैल्यू बाहर निकलेगा, समझ में आ जाएगा बेटा कि बॉस कैसा होता है. पैसा दे रहा है बॉस आपको बेटा, हाँ समझदार बेटा, चीजों को बहुत ध्यान रखना बेटा, इन चीज़ें से बहुत ज़्यादा. फिर आप बोलते हो हमारी वैल्यू नहीं, कौन कर देगा वैल्यू आपको? फिगर बोलने नहीं आता मुझे बताओ, आप सीएससीएस बन जाते हो, समझ में नहीं आता मेरे को. तो हर चीज़ का आपको बहुत, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. आपको बोल रहा हूँ फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आपने ढंग से अपने अपने आर्टिकलशिप इंटर्नशिप नहीं की तो फिर जी फिर बोलते हो हमें, हमारे साथ एक बना हुआ व्यक्ति है उसको लाख, वो 1,00,000 सैलरी कमाता है महीने की, हम सब 30,000-40,000 रुपये कमाते हैं. आपके काम ही ऐसे हैं बेटा कमाने के, कौन देगा मुझे बताओ पैसा आपको बेटा? आप अपने को मेट्रो के साथ स्टूडेंट्स की कंपटीशन कंपटीशन करो, उनका बोलने का तरीका आपके बोलने तरीके में वेरिएशन होता है. मैं एक बात फिर बोलता हूँ बेटा, आप अपने आप को तुरंका मत समझना, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की वैल्यू क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ आप लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो. मेट्रो का स्टूडेंट पास होने के लिए नहीं पढ़ता है, मेट्रो का स्टूडेंट सिर्फ सीखने के लिए पढ़ता है, दोनों में डिफरेंस है. वो एक अटेम्प्ट लेट डिग्री आती है उसके पास, उससे ज़्यादा वैल्यू आपके उस व्यक्ति वैल्यू होती है. आप सिर्फ किताबी कीड़े बनते हो, दैट्स द प्रॉब्लम बेटा. आप मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पास होने पढ़ लो, पास हो जाओगे बेटा, आगे भी हर व्यक्ति आपको पास ही करता रहेगा बेटा, आपको रिटेन नहीं करेगा बेटा. मुझे बताओ आपको लग रहा है सर इतना बुरा क्यों बोलते हो? अभी बस गड़बड़ लग रहा है, जब बॉस निकालेगा तो समझ में अच्छे से आएगा. ध्यान समझ रहा बेटा, वॉट विल बी अमाउंट बेटा आपके पास मुझे बताओ? 1,50,624 रुपीज. इज इट क्लियर? बोलो क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब इसमें ऐड किया जाएगा, क्या ऐड किया जाएगा? 3,00,000 नहीं, अच्छा ए सी डी 3,50,000 चार्ज किया जाएगा. और विच अमाउंट बेटा आपके पास? कितने अमाउंट चार्ज किया जाएगा? 4%. 4% ऑन विच अमाउंट? 1,50,624. प्रज्ञा कहाँ ध्यान है? ध्यान समझना, तो 1,50,624 का 4% कितना होता है बेटा? तो आपका 96 पैसा लिखना है, इसको आप 5 रुपीज में कन्वर्ट मत कर देना, समझ, गलती होती है. हम जैसे 5 रुपये कन्वर्ट कर दो, 4 पैसे दिमाग के लगा रहे हो. अरे भैया ये फिगर करोड़ में होंगे, मान लो ये फिगर्स, ये 1,20,000 करोड़ का फिगर है, अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करके देखो बेटा बताओ. पर बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत नहीं बेटा, आपके 1 महीने की सैलरी निकल जाती है इतने में बेटा.
समझ में आया, तो फिगर को ध्यान से राउंड ऑफ करने का. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कितना अमाउंट आएगा बेटा, 1,56,648.96. एम आई राइट? क्या गलत तो नहीं हो बेटा, देखना एक बार. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब ध्यान समझना, अब अमेंडमेंट का पॉइंट शुरू. ध्यान समझना, अमेंडमेंट पॉइंट्स में ब्लूइंग से लिख रहा हूं बेटा, ध्यान समझना. ऐड, क्या यहीं पे ए सी डी 37 चार्ज करना है? क्या यहां पे मल्टीपल सेल हो चुकी है? क्या समझ? ये अब मैं बोलूंगा, जब गुड्स वेयरहाउस में सेल होता है. अरे क्या सेल हो रहा है? अब समझना. तो अब मैं बोलूंगा यहां पे 37, अभी तक मैंने बताया, तो मुझे बताओ 37 की रेट कितनी परसेंट बेटा? 12%. कितनी परसेंट बेटा? 12%. संविधान बोर्ड पे नजर हटी तो दुर्घटना घटी. 12% ऑफ कितना बेटा? 1,56,648.96 और क्या होता है? और ये जो बातें कर रहा हूं ध्यान समझना, 12% ऑफ अमेंडमेंट पॉइंट, ध्यान समझना, इन दोनों का जो विच एवर इज जो हायर होगा वो यहां पे लिखा जाएगा. या मैं सिंपल शब्दों बोलूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बोलते हुए बोलूं आपको बेटा, ये 37 जो चार्ज करना है इस वैल्यू पे, अभी मैंने बोला ना 12%, दो से बोलते हैं यहां लिखते हैं 12% ऑफ किस अमाउंट पे बेटा आपके पास बेटा? 1,56,648.96 पैसा और 12% ऑफ. क्या बताओ ड्यूटी पेमेंट कौन कर रहा है? ई के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी सही माने देखा जाए तो ई के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू हालांकि हमने यहां ले ली पर कितनी? 1,40,000. विच एवर इज हायर? तो बट ओबीसी बात 140 पे हायर आएगा या 156 पे हायर आएगा? 156 पे क्या हायर आएगा? दिस इज द रिसेंटली अमेंडमेंट. चेतन इट क्लियर? रिसेंटली अमेंडमेंट दिस इज द इंपॉर्टेंट विच एवर इज हायर. तो बट ओबीसी बात देखा है तो सही मायने में विच एवर हायर के लिया जाएगा. बट अगर यहां पे, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? जब 140 होगा तो 140 में ग्रीन कलर लिख रहा हूं, मतलब क्या 140 सब आंसर लिख रहा हूं बेटा ना, यहां समझना. तो इसका 40% इसका 12% कितना आता है बेटा? 797. क्या समझ में आया बेटा? और जब मैं आप लोगों से बात करता हूं इसी के लिए ध्यान समझना बेटा, क्या ए ऐड किया जाएगा बेटा? ए सी डी 39 बेटा कितने परसेंट से बेटा आपके पास? 28%. उसके लिए भी यही फंडा है. अरे या बेटा जो 38 बोलता है वही 310 बोलता है, तो जो 38 ए बोलेगा वही 10 ए बोलेगा. अरे हाँ है ना, क्या मतलब जिस वैल्यू पे 37 चार्ज होता है क्या उसी वैल्यू पे 39 चार्ज होता, समझते हो आप लोग बेटा? तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अब आप बोलो सर फर्क क्या पड़ा, जो चल रहा नॉर्मल चल तो रहा है, दो मिनट के बाद फर्क पड़ेगा देखना भी. लेट्स, यहां पे अमाउंट कितना है मुझे बताओ? 43,061.70. इज इट क्लियर? दैट विल बी अमाउंट, दैट विल बी आंसर. अब सुनना अगला पॉइंट यार बेटा प्लीज. अगर यही माल डी ने ये माल ई को बेचा होता कितने में? 1,90,000 रुपए में. कैसा हो सकता है? कैसा पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? अरे उसका माल उसको जितने बेचे बेचेगा ना, आपको तो रोकने रोकने वाले उसको. तो उस सिचुएशन के अंदर यहां पर तो मुझे बताओ ऑब्लिक में कितना आता? 190. तो बट तो बेस हायर किस पे आता? 190. तो 190 का 12% लिया जाएगा. अरे मैंने क्या बोला? 190 का लिया जाएगा. अरे यार चलो 190 का मतलब विच हायर कर दो. अरे तब मैंने बोला कि अदर वन वैल्यू कितनी? 140 है ना. अरे हाँ है ना, 140 ले लिया. बट मान लो डी ने जो माल ई को बेचा 140 में नहीं बेचा, कितने बेचा? 190 में बेचा. कैसा हो सकता है? अरे यार तो उस सिचुएशन के अंदर 140 नहीं लोगे, कितना लोगे बेटा? 1,90,000 का 12% लोगे. अरे यार
अरे तो एक मैं अगर मुझे बताऊं इस पे 12% निकालो अलग से, इस पे 12% निकालो अलग से, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट में इस दो कंपनी विचार, समय किसने बचेगा? सिर्फ आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे को स्मार्टली तो बताना है कि किसी एग्जांपल 150 190 विच इज हायर, तो 190 पे लगा दो 12%, बात खत्म। बाकी आप लगाओ ना इसके ऊपर 12% अलग लिखो, इस पे लगाओ 190 पे 12% विच इज हायर करो। बेटर थिंग इज दैट जो वैल्यू ये दिख रही है कंपेयर विद ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज हायर एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A, अरे हाँ है ना, क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बट अगर ये वैल्यू 90 तो 90 विच एविज हायर ले लिया, बोल समझ में आया? तो उस केस में बताओ 190 का 12% कितना होगा? फिर इसका 12% मत लेना, अभी जब इस क्वेश्चन में जब मैं निकाला तो हमने इसका 12% लिया, क्यों? कि उस केस में ये 140 है और ये था। बट अगर मुझे बताओ वैल्यू 190 हो जाती है तो विच इज हायर कितना होगा? 190, 190 का कितना परसेंट बेटा? 12%, हाउ मच? 22,800। क्या समझ में आया बेटा? और फिर 39B इस वैल्यू पे नहीं, 39B 190 के ऊपर ही आपको कितना 28% से आपको लेना है, हाउ मच? 50,200। ये कैसे आया सर? मैं फिर बोल देता हूँ बेटा आपको, फिर बात देता हूँ सर, ये कैसे आया बेटा? ये लगाया 12% ऑफ 190, ये लगाया 28% ऑफ 190। अब ये मैंने 190 मैंने क्यों लिया, इसके बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पे मैंने बात की। अरे हाँ है ना, क्या समझ में आया? दिस इज द रिसेंटली अमेंडमेंट, जो आप समझ रहे तो वो ये चीज़ है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ तो 120 भी लेंगे, यहाँ आके क्या होगा? चलिए, मैं इसलिए मैं बोला था आप थोड़ा वेट करो, मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दूंगा इस चीज़ के लिए। दस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ के बारे में अपन ने यहाँ डिस्कस किया, क्या पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब वन मोर थिंग सुनना, बट अगर से एग्जाम्पल में थर्ड केस, क्या माल डी ने ई को बेचा, ई ने माल एफ को बेचा, एफ ने जी को बेचा, मल्टीपल सेल हो गए, इज इट पॉसिबल? ई ने एफ ने कितने में खरीदा? 1,90,000 रुपए में, और इसने 2,10,000 रुपए में, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां तक प्रोसेस तो सेम होगी। अब मुझे बताओ यहां पे माल कौन लेकर आएगा? जी। तो जी के लिए प्रोसेस यहां तक तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। देखना पड़ा रेड कलर मतलब दिस वन, ग्रीन कलर के लिए दिस वन, और ब्लू कलर के लिए बेटा दिस वन। मैंने हर चीज को अलग से हाइलाइट करके दिया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोबाइल में फोटो खींचना, घर जाके लिखने का, ध्यान समझना। तो 150,624 ऐड करेंगे, बट हाउ मच? मैं आपसे बोलने के था 4, अरे यार गलती हो गई। यहां तक तो क्या रहेगा बेटा? सब कुछ सेम ही रहेगा। कितना बेटा? 1,56,648.96 पैसा। अब इसमें ऐड करो 37 ऑन विच अमाउंट? 210, क्योंकि ड्यूटी पे करने कौन जा रहा है? जी। उसके लिए ये, और इसने कितने खरीदा? 210। विच एवर इज हायर? अरे विच एवर इज हायर? तो 2,10,000 का कितना परसेंट बेटा? 12%, और 2,12,000 का कितना परसेंट? 28%। गॉट इट? क्या है? देखा तो कितना सिंपल पॉइंट है, पर एग्जाम में आ गया तो देखा हुआ नहीं है तो क्या समझ में आपको आया? हाउ मच अमाउंट मुझे बता? 25,200, गुड। नेक्स्ट 58,800। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इसमें से इसको माइनस करोगे, किसको? इसको। दिस इज कॉल्ड एज क्या? ड्यूटी पेबल अमाउंट। तो सिंपल सा फंडा, नहीं तो क्या करना? दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इन सबको ऐड करने का ड्यूटी अमाउंट। कभी गलती गलती में भावुक हो गए ना, इसको है ना 2 दशमलव माइनस मत कर देना, ये एग्जाम में गलती हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये अभी तो आपको समझ में नहीं आ रही, पर एग्जाम में क्या करोगे? ये सब लास्ट रिसेंटली आपको फिगर याद हो, 2 दशमलव आपने रिसेंटली यूज किया, ये फिगर दिमाग में क्लिक रहता है आपको, तो गलती से मत करना। अरे हाँ, शॉर्ट ट्रिक बताया, पर शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक बन सकता है, हाँ लॉन्ग कट बन सकता है, आपको इसे ध्यान रखें। इसलिए आप हमेशा सीधी बात, सबसे सिंपल तरीका क्या, आप सारे टैक्स एलिमेंट को जोड़ते जाओ, बस कर लो, दैट से 2 मिनट ज्यादा लगेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट कर लेना।
This is the most important concept for custom. मैं 200% श्योर हूँ जो मैंने बताया है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. ये बात अभी आपको याद नहीं आएगी, एग्जाम हॉल में देखोगे. मैं फिर बोल रहा हूँ, फिगर चेंज मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा और फिर बोलोगे वाह यार सर ने बताया 5 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो गए 100 में से. ये फील खुशी अभी की नहीं है. और मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दिख जाए ना खुश मत होना, नॉर्मल ही रहना. एक्साइटमेंट में खुश के रिमेनिंग 95 मार्क्स पेपर बिगाड़ डालोगे. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन से ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, रिमेनिंग 95 मार्क्स का पेपर भी आपके हाथ में होना चाहिए. एक्साइटमेंट में ये मत सोचना कि अरे क्वेश्चन तो सर ने बताया वैसे छप गया, हो भी सकता नहीं भी छपे, तो हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है. जो मैंने पहले बताया वो तो है, मतलब कुल मिलाकर जितना मैंने आज पढ़ा है ये तय है वो 5 मार्क्स का है. वेयर हाउसिंग भी आगे एग्जाम में तो 3 मार्क्स का 4 मार्क्स को मतलब 8-9 मार्क्स आपके बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. क्या समझ में आया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसके बिना अब एक्चुअली क्या होता है, अब असेसेबल वैल्यू का एक सिंगल चैप्टर है, कौन सा बेटा वैल्यूएशन ये कैसे निकालते हैं, जब पढ़ेंगे तब इस चीज़ के बारे में हम चर्चा आपके साथ करेंगे. अभी पढ़ने की आवश्यकता इसके बारे में हमें नहीं. क्या समझ में आपको आया? समय क्या हो गया यार? अरे तो क्या हो गया? हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द बेटा, कि जितने होते लिखो ना, पर 2 डिजिट सफिशियंट है, ऐसा नहीं है. तो एक्टिव लाइफ में लास्ट तक चलते हैं बेटा, ध्यान रखना बेटा, पर यहाँ पे एग्जाम में चलेंगे बेटा, ध्यान से बेटा. मैं जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि मैं जैसे सब चीज़ें आपको कवर कर चुका हूँ बेटा, ACD 3139 37 सब चीज़ें हमने बात कर ली हैं. और एक बात बोलना चाहूँगा, चलो ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो गिवन है इस नोट्स के अंदर बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आप लोग ना करें. प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आप लोग अभी तक एलिजिबल नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ देना. एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, हार्डली 5 मिनट्स का, मैं उसको लूंगा बेटा, उसके बाद छुट्टी करूंगा बेटा. 5 से 7 मिनट का पॉइंट ही है बेटा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटी आप आओगे बेटा वहाँ पे, सबसे लास्ट पेज पे आपको होगा वहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लिखा हुआ है, सेफगार्ड ड्यूटी लिखा हुआ है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लिखा है बेटा आपके पास, और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लिखा हुआ है. यहाँ समझा बेटा, मैं सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट है, प्लीज खत्म करते, चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, इसलिए हम बात करेंगे बेटा. क्लियर? देखो सबसे पहले सेक्शन 6 लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है प्रोटेक्टिव ड्यूटी लिखा हुआ है. सेक्शन 8B लिखा हुआ है, सेफगार्ड ड्यूटी लिखा हुआ है बेटा. सेक्शन 9 है, उसके ऊपर दो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडीज आर्टिकल. और सेक्शन 9A लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है ऊपर ADD लिखा हुआ है, उसको लिख देना एंटी डंपिंग ड्यूटी. इज इट क्लियर नाउ? अब बेटा ध्यान समझना, सेक्शन 9 के ऊपर लिखा है सबसे ऑन लिखा हुआ वहां पे, उसको लिखो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडीज आर्टिकल, CVD ऑन सब्सिडीज आर्टिकल. समझना, छोटा सा पॉइंट है, थीम समझ में आपको आनी चाहिए. यस, नो डाउट है? कंसेप्ट क्या? अरे पढ़ा नहीं, सुनने वापस बोलो प्लीज. CVD ऑन सब्सिडीज आर्टिकल सेक्शन 9 पे लिखना है बेटा, CVD ऑन सब्सिडीज आर्टिकल के बारे में अपन बात करना. यहां समझना बेटा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कौन सी ड्यूटी किस चीज के लिए चार्ज की जाती है, बाकी हम चर्चा के साथ करेंगे, ऐसी बात नहीं है. सबसे पहले हम बात करें बेटा सेक्शन 6 के बारे में बात करते हैं. किसकी बात करता है? प्रोटेक्ट ड्यूटी. कौन सी ड्यूटी क्यों चार्ज की? सबसे पहले आपको थीम पता होने चाहिए. आपको एक सेक्शन समझ में आ गया, सारे सेक्शन ऑटोमेटिक समझ में आपको अच्छे से आ जाएंगे. मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रोटेक्टिव ड्यूटी के बारे में, आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ बेटा. एग्जाम में इन चारों में से किसी एक के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बन जाए 4 मार्क्स का, कोई बड़ी बात नहीं है. आपसे एग्जाम पूछ सकते राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोटेक्ट ड्यूटी, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सेफगार्ड ड्यूटी, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडीज आर्टिकल ड्यूटी, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन क्या बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में एग्जाम में आप शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं. ध्यान समझना, प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्यों चार्ज की जाती है, ध्यान समझना बेटा. प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है? फॉरेन इंडस्ट्रीज, जब इंडिया में फॉरेन इंडस्ट्रीज अगर इंडिया में आके बिजनेस करती है और उसको अगर इम्पोर्ट से खतरा होता है, उसको बचाने के लिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी चार्ज किया जाता है. ध्यान समझना, से एग्जाम्पल जापानीज कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करी, कोरियन कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करती, बट उनको चाइना से खतरा है. क्या चाइना वाला एक्सपोर्ट करते हैं वहां से बैठे हुए? चाइना एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में इंपोर्ट हुआ. तो मुझे बताओ क्या जापानीज कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करती है? से एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट आपस में MOU साइन करते हैं और बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बोलते, मोदी जी जाके बोलते हैं जापानीज वहां को कि साहब आप अपनी कंपनीज को इंडिया में भेजो, और बाहर जाके बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में लेकर आते हैं. अब वो इंडिया में आते हैं, वो इंडिया में आने के बाद बिजनेस करते हैं. अब मुझे बताओ जापानीज कंपनीज से कोरियन कंपनीज, सैमसंग से कोरियन कंपनी, आई होप सो शायद, हाँ सैमसंग इज द कोरियन कंपनी,
मैं होंडा सिटी की बात करूँ, सिटी कंपनी, होंडा कंपनी की बात, जापानीज कंपनीज की बात करते हैं। अब होंडा कंपनी क्या कर रही है, कार इंडिया में लेके आती है, इंडिया और जापान के बीच में से संबंध है, वो यहाँ पे काम कर रही है, उसने अपने इंडिया में प्लांट डाल दिया, वो यहाँ पे वो कार सेल कर रहा। अब जापान, अब चीन, चीन जी मैंने बोला जैसे भारत पाकिस्तान अलग है, वैसे जिस जो रिलेशन भारत पाकिस्तान के बीच में, यही रिलेशन चीन और जापान के बीच में भी है। तो जापान चाइनीज कंपनी क्या करती है, एक काम करते हैं, होंडा कंपनी वहाँ पहुँच गई ना कहाँ पे, इंडिया में, चलो पहुँचने दो उसको, अपना प्लांट शुरू करने दो, कार बेचने दो। जैसे वो कार बेचना शुरू करती है, जब चीन वाले व्यक्ति कार बना के इंडिया में बेचते हैं, वही सेम टेक्नोलॉजी जो कार 12 लाख में मिल रही है, वो कार 5 लाख में। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कार के अंदर चाइना नहीं आया तो इंडिया के अंदर बेटा, ये तो 12 बजा देगा यहाँ की इंडियन इंडस्ट्री की वो। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि सही एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि से अब चाइनीज कंपनीज कार बेच रही है 9 लाख में बेच रही है, 3 लाख में कब बताओ, 9 लाख की कार, सेम फीचर सब कुछ, और इनफैक्ट थोड़ा सा एडवांस। तो मुझे बताओ कि इसकी वजह से, मैं तो 12 लाख की कार 12 लाख में बेच रहा, बस हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बेच रहा है। क्या मुझे बताओ क्या जापानीज इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा इंडिया के अंदर? तो वो क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं टेरिफ कमीशन के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं, कहाँ पे जाते हैं, कस्टम टेरिफ कमीशन के पास जाते हैं, गुहार करते हैं, साहब हमारी रक्षा करो, ये चाइना वाले तो हमें बर्बाद कर देंगे, हम करोड़ों रुपये प्रोडक्ट इंडिया में लेकर आए आपकी वजह से हम लाए, और ये मुझे बताओ ये इंडिया में आकर परेशान कर रहे हैं हमें। तो आप कहाँ जाओगे, टेरिफ कमीशन के पास जाओगे, टेरिफ कमीशन आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, रिसर्च करेगा, स्क्रूटनी करवाएगा, बाजार में जाएगा, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, इफ यस तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए ड्यूटी चार्ज करेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ड्यूटी चार्ज करनी है चार्ज नहीं करनी है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये टैरिफ कमीशन रिकमेंडेशन देगा किसको बड़े गवर्नमेंट को, उसके बाद चार्ज की जाए। और उसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट हम बात करते हैं, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन, इज इट क्लियर? क्या यही वर्ड ऐसे वहां पर पढ़ते हैं, ड्यूटी जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ले, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ड्यूटी ऑन द रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल, सेम केस विद द टैरिफ कमीशन। टैरिफ कमीशन रिकमेंडेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, रेट ऑफ ड्यूटी कितनी चार्ज करनी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन, प्रोविजनल लेवी मतलब क्या होता है, क्या आपसे अभी प्रोविजनल बेसिस पे क्या तो प्रोटेक्ट ड्यूटी चार्ज की जा सकती है, आंसर इज नो, प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी चार्ज नहीं की जा सकती है। क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने साल तक चार्ज किया जाएगा, ऐसा कोई टाइम लिमिट, इसका बाउंडेशन नहीं है, इसके ऊपर कस्टम एक्ट के लिए स्पेशली कुछ बात करने की बात नहीं बोलेगी। नेक्स्ट, रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म से लेवी की जा सकती है, आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है बेटा, बाकी केसेस में अवेलेबल होगा बेटा इसलिए, ठीक है ना। तो रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म से प्रोटेक्टिव ड्यूटी कभी भी चार्ज नहीं की जाती, इसके लिए कोई रूल्स गिवन नहीं है। और प्रोटेक्टिव ड्यूटी की जो बात, गुड्स इंपोर्ट करे, कोई भी इंपोर्ट करे, किसी को स्पेशल एग्जिबिशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी माल परचेज करता है, ईओबी माल परचेज करता है, अगर उसने माल किया तो उसके ऊपर भी प्रोटेक्ट ड्यूटी चार्ज की जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बोलो हाँ, है ना। जब मैं यही बात करता हूँ किसके लिए, सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में बात करता हूँ। क्या मुझे बताओ, जिस प्रकार से फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में अगर नुकसान हो रहा है, क्या इसी प्रकार के डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा हो, कैसा हो सकता है? बोलो हाँ, है ना। तो उस केस में ये लोग भी जाके गुहार लगाएंगे सरकार से, सरकार हमारी भी सुनो, तुम बाहर वाली की सुन रहे हो, घर वाली सुनी चिंता ही नहीं कर रहे तुम्हें तो। अरे हाँ, है ना। तो उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपने बात, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, इट अवॉइड इंपोर्ट ऑफ इंक्रीज क्वांटिटी एंड इट कंडीशन टू कॉज सीरियस इंजरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इज इट क्लियर? बोलो हाँ, है ना। अब सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज करनी नहीं करनी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना चार्ज करना है। ये सेफगार्ड ड्यूटी इज इक्वल टू जितना इंजरी हो रहा है मार्जिन को उतना अच्छा। अब से इंजरी मार्जिन क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, इस चीज के लिए ध्यान समझना बेटा, लैंडेड कॉस्ट के बराबर नहीं समझना, नोट्स में लिखा है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इन इंडिया, उस गुड्स की इंडिया में क्या प्राइस है, लेस लैंडेड कॉस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा आपका, सेफगार्ड ड्यूटी के अमाउंट इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम में कभी कभी इसको भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सेफगार्ड ड्यूटी कैसे निकालते हैं, तो समझना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या देखा, मार्केट प्राइस इन इंडिया लेस लैंडेड कॉस्ट, पर लैंडेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, लिखो बेटा आप लोग लिखो, उस नोट्स पर गलत लिखा हुआ है। लैंडेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लिखे बेटा, एफओबी प्राइस प्लस बीसीडी प्लस ऑल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम, इन सबको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इस कॉल्ड एज क्या बनेगा आपका, पर लैंडेड कॉस्ट बनेगा, और लैंडेड कॉस्ट को माइनस करेंगे किसके पर, मार्केट प्राइस इंडिया, अगर डिफरेंस आ रहा है दिस इज इंजरी मार्जिन। अरे यार बोलो, मतलब वही गुड्स के इंडिया में बिक रहा है, मुझे बता, जो गुड्स आपने क्या सुनो, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया,
क्या वैसे गुड्स क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाकर इंडिया में बेच रही होगी? अरे यार, सी एग्जांपल, आपने क्या किया, मार्कर परचेज किया. अब ये मार्कर परचेज क्या ऐसे ही मार्कर के इंडियन इंडस्ट्री भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाकर बेच रही होगी, तो वो कितने में बेच रही, वो प्राइस लेस लैंडेड कॉस्ट. दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंजरी मार्जिन होगा और इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. ध्यान समझना बेटा. अब यस प्लीज, किडने बेसिस पे मैं बताऊंगा, सीआई वैल्यू पाया ऐसा मैं अपन वैल्यूएशन बताऊंगा इस केस के लिए, कि अगर सीआई वैल्यू गिवन है उस केस में कैसे पता करेंगे असल वैल्यू, इस चीज के लिए चर्चा हम आपके साथ करेंगे. क्लियर, ध्यान समझना. अगले पॉइंट के बारे में जब आपसे बात करता हूं, क्या ये प्रोविजनल बेसिस पे लेवी किया जाता है? यस, मतलब आपसे अभी आज ड्यूटी डिसाइड नहीं हो पा रही, एक काम करते हैं अभी प्रोविजनल बेसिस चार्ज कर लेते हैं. बट गवर्नमेंट अगर प्रोविजनल बेसिस पे ये रेट ड्यूटी चार्ज करती है तो 200 डेज के अंदर उसको फाइनलाइज करना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर? अगर ये चार्ज की जाएगी तो मैक्सिमम मतलब 4 साल के लिए, और इसको मैक्सिमम 10 साल तक के लिए लेवी किया जा सकता है. इसके ऊपर कस्टम के रूल्स, एक्ट वगैरह सब कुछ चीजें एप्लीकेबल होगी बेटा. रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म से इसको भी लेवी नहीं किया जा सकता है. रूल्स के लिए कस्टम टैरिफ बाकी चीजें आपके लिए. बट हाँ, वन मोर थिंग, अगर 100% EOU या FTZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स अगर गुड्स इंपोर्ट करती है और उस गुड्स के ऊपर अगर सेफगार्ड ड्यूटी लेवी होती है, पर उनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लेवी नहीं किया जाए. देखो ना, लिखा है वहां पे एग्जम्पशन टू बी, मतलब अगर 100% EOU फ्री ट्रेड जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स अगर गुड्स इंपोर्ट कर रही है और जो गुड्स इंपोर्ट कर रही है उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लेवी होती है, बट अगर 100% EOU के द्वारा या FTZ के द्वारा या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा क्या किया जा रहा है बेटा, इंपोर्ट किया जा रहा है, इन दैट सिचुएशन के अंदर सेफगार्ड ड्यूटी लेवी नहीं. तो इनके अलावा कोई और व्यक्ति इंपोर्ट करेगा तो उनसे सेफगार्ड ड्यूटी लेवी किया जाएगा. क्या समझ में आपको आया? इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बेटा, किसके लिए बेटा, सीवीडी ऑन सब्सिडीज आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करते हैं. फंडा क्या होता है, ध्यान समझना बेटा. एक्चुअली क्या होता है, कोई कंट्री की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बर्बाद करना चाहती है. क्या हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहती है. बेस्ट एग्जाम्पल चाइना के बारे में हम आप लोग, चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना. रिगार्डिंग माय पॉइंट, वो कभी चाहती नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात, आने वाले समय में चाइना का कंपटीटर कौन होगा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बैठा गया, इंडिया ही सबसे बड़ा उसका कंपटीटर मार्केट है उसका. अब से एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, इंडिया में क्या चाइना में दिवाली बनती है क्या? नहीं बनती है, पर वो पटाखे बनाता है. क्या दीपक बनते हैं वहां पे? क्या यहाँ दिवाली बनती है? वो दीपक बना के इंडिया बेचता है, वो इंडिया मार्केट को खराब करना चाहता है, इंडिया के जो लोकल कंज्यूमर्स हैं, लोकल जो प्रोडक्शन है उनको बर्बाद करना चाहता है. इसे देखा होगा बीच में दिवाली पे, जब जब भी आता है गवर्नमेंट या पब्लिक सब दिवाली चाइना प्रोडक्ट को बैन करने के लिए बोला जाता है कि चाइना प्रोडक्ट को कम से कम भले महंगा खरीदो पर चाइना प्रोडक्ट को खरीदते हैं. पर हम लोग कुछ लोग फिर भी हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल फायदे के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, करें. बट ऐसा ठीक है, सबका अपना अपना लुकआउट है कैसे कैसे क्या क्या करना है. बीच में कई टाइम पहले भी सुना होगा जब बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उस समय चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था, सभी लोग विरोध, चाइनीज प्रोडक्ट को लोग खरीदना पसंद नहीं करते थे, वैसे लोग कि चाइना का है लोग नहीं खरीदें. लेट्स सी, आप लोग जो वीवो का मोबाइल यूज़ करते हो, ओप्पो यूज करते हो, वन प्लस जो 6 आप यूज करते हो, दिस इज ऑल आर चाइनीज कंपनी. आपको पता है ओप्पो की सब्सिडरी कंपनी OnePlus1, जो OnePlus1 हमको बोलते हैं ना फोन जो यूज करें, OnePlus 6T आ गया है शायद, क्या पता जो भी है बेटा. एग्जांपल दिस इज द, ये ओप्पो की कंपनी, हम बेसिकली उसका 3 सेगमेंट बेसिकली बिजनेस को जो लोगों को हाईलाइट पता नहीं हो पता, हम लोग हमारे पास OnePlus 6T मतलब तो ओप्पो कंपनी का फोन है, चिंता मत करो. हाँ, उसकी पेरेंट कंपनी कौन है बेटा, ओप्पो कंपनी है, क्या समझो. इज इट क्लियर? से एग्जांपल ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं. लेट्स सी, वीवो उसी की सब्सिडी कंपनी है, OnePlus 6 उसका सब्सिडी डिवीजन है बेटा, एंड मेन प्रोडक्ट तो बेसिकली कौन है बेटा, ओप्पो कंपनी है. लेट्स सी, तो याद आ 3-5 का, मेरे पास 6 Plus T, चिंता मत करो, मेरे पास भी ओप्पो है, तेरे पिताजी कंपनी का मेरे पास मोबाइल फोन है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. लेट्स सी, अब मुद्दे की बात करते हैं. आपको सबसे पहले बात ध्यान समझना, हम जो पढ़ा अब से एग्जांपल चाइनीज गवर्नमेंट, एक से एग्जांपल एक कंपनी है, वो कुछ प्रोड्यूसर किसी चीज का प्रोड्यूसर, मतलब जैसे मोबाइल का प्रोड्यूसर है, तो वो व्यक्ति मोबाइल को प्रोड्यूस करके, इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करके वो माल इंडिया में बेचता है, उस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये. बाकी गवर्नमेंट बोलती है तो भाई मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, तो मोबाइल कितने बेचा, 10,000 बेचना है, काम कर इस मोबाइल को तू इंडिया में 8,000 बेच. प्रोड्यूसर बोलता है सर मैं कैसे बेचूंगा, मेरी कॉस्ट कितने रुपये, 10,000 रुपये. गवर्नमेंट बोलती है चिंता मत कर, तो 8,000 बेच, तो देखो 2,000 नुकसान हो रहा ना, ये देखो भरपाई मैं तो करूंगा, देखो सब्सिडी में दूंगा. तो अल्टीमेटली बताओ प्रोड्यूसर माल इंडिया में कितने बेच रहा है, 8,000 में. तो क्या मुझे बताओ माल जो मोबाइल इंडिया में 10,000 मिल रहा है, अगर वही मोबाइल इंडिया में आपको 10,000 मिले तो आप, बट ऑब्वियसली बात, क्यों ना आप चाइनीज प्रोडक्ट पे जाओगे? क्या ऐसे हो,
चाइनीज गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगले 5 साल तुम करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है, उनके पास ऑलरेडी इतना कैश रिच फंड है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि जाने दो, इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर डालो, इंडियन डोमेस्टिक को खत्म कर दो, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात, जो मोबाइल 10,000 मिल रहा है वही सेम मोबाइल अगर आपको 8,000 मिल रहा है तो आप 8,000 वाला मोबाइल ही परचेस करोगे। एक टाइम के बाद इंडियन डोमेस्टिक खत्म, डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात वो तो लॉस में बेचेंगे नहीं, अरे उनका टर्नओवर धीरे धीरे कम 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 लॉस पे आ गया, कंपनी बंद, एक टाइम के बाद 10 साल 5 साल के बाद बंद, उस कंपनी ने बाद में क्या किया, वही 10,000 मोबाइल 15,000 बेच रही है, 10,000 मोबाइल कितने बेच रही, 15,000 बेचो, क्या इंडस्ट्री डोमेस्टिक खत्म, हम आपको डिपेंडेंट हो गए, उसने आपको गुलाम बना लिया, ऐसे गुलाम नहीं बनाया पर इकोनॉमी कंट्रोल तो कर रहा है, गुलाम मतलब ये समझो वो जमात अब तो वापस नहीं आने वाला ऐसा गुलामगिरी वाला, बट क्या वो आपको इकोनॉमी मैनेज कर रहा है, और रिगार्डिंग माय पॉइंट जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपसे इतना सा बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए, अगर वहां की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो जितनी सब्सिडी वो दे रही है गवर्नमेंट उतनी ड्यूटी चार्ज करेगी, अरे हाँ है ना, लेट्स सी, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री टेरिटरी विच पे एनी सब्सिडी ऑन मैन्युफैक्चरर, मतलब उस कंट्री के एक्सपोर्टर को, उस कंट्री के मैन्युफैक्चर, बट ऑब्वियसली वो चाइना का एक्सपोर्टर हुआ, हमारा इंपोर्टर हुआ, उस एक्सपोर्टर सब्सिडी प्रोवाइड, तुम सस्ते माल बेच, यह समझना, ड्यूटी कितनी चार्ज होगी, सब्सिडी ऑन इंपोर्टेड, बाकी प्रोविजनल बेसिस पे चार्ज किया जा सकता है, यस, पर टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अवेलेबल नहीं है, 5+5, समझ में आ गया आपको, बस क्या थीम समझ में आ गई पूरा वो पढ़ने के लिए, एंड लास्ट पॉइंट इज दैट, किसके एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात करता हूँ, किसके लिए, अभी तक तो देश वहाँ की गवर्नमेंट बर्बाद करने में तुली हुई थी, अब वहाँ का मैन्युफैक्चर बर्बाद करने तुला हो गया, मैन्युफैक्चर क्या बोलता है, द बेस्ट एग्जाम्पल MIR शाओमी कंपनी की बात करता हूँ, उसने बर्बाद कर दिया इंडियन इकोनॉमी को, मोबाइल इंडस्ट्री को बेटा, जो मोबाइल यहाँ पे इंडिया में 5,000 बेच रहा है वो माल मोबाइल चाइना में 6,000 बेच रहा होगा, और उसने इंडिया में क्या माल सस्ता बेचा, उसको लगा आदत लगा दो, जब आपने देखा होगा जब MI नया नया फोन आया था लॉन्च होने से पहले बिकते, लॉन्च होने से पहले क्या होता था बुक, भली वो बात अलग है उसने मोबाइल बुक ही नहीं किया हो, बट फ्लिपकार्ट पे आता था, पर ये सब चीज़ें प्लानिंग होती है, मैं बोलता हूँ बिजनेस करने की टैक्ट है, बोलते हैं मोबाइल 12 बजे लॉन्च होगा, 12:05 सोल्ड आउट, हो सकता है कि उसने मोबाइल इतने रखे नहीं हो बेचने के लिए, दुनिया में क्या हो गया, अरे मोबाइल इतना जबरदस्त इतने बुकिंग चल रही है कि मोबाइल मिल ही नहीं रहा है, खरीदो, ये पॉलिसी मारुति कंपनी की भी है इंडिया के अंदर, सभी बड़ी जो बड़ी कंपनी बात करें मारुति कार के बाद एग्जाम्पल उसकी पॉलिसी यही है, आप उसके पास कभी भी कार खरीदने जाओ बोलेगा सर 2 महीने की वेटिंग है, कितने महीने की वेटिंग है, 2 महीने से पहले कार, मतलब उस कार की डिमांड है, उसने ऐसा अपने बिजनेस पॉलिसी का प्रोपागंडा कर दिया कि आपको कार 2 महीने पहले आके बुक करो, भली उसके शोरूम के अंदर आउटलेट माल रखा हुआ होगा, भली उसके से एग्जाम्पल अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है हमारे पास कार आई नहीं थी, अरे मैन्युफैक्चर रिलीज ही नहीं कर रहा था जबकि उसके प्लांट में रखी हुई कार है, सबका अपना बिजनेस करने का टैक्ट होता है, हमारे माल नहीं अवेलेबल, दैट्स इट, खत्म, तो उससे डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, सेम केस भी है, तो से एग्जाम्पल वोट ओवर हम तो नॉर्मल बात करते हैं कि मान लो वहां का चाइना का मैन्युफैक्चर इंडिया में उसकी कॉस्ट से कम में माल बेच रहा है, उससे कॉस्ट उसकी कॉस्ट वाकई में 6-10,000 रुपए, वो माल बोल रहा 7,000 में कि जाने दो कोई दिक्कत नहीं 3,000 नुकसान हम खाएंगे, बेच रहा है 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 बेच रहा है, उसके बाद उसने क्या किया बेच रहा है, दैट्स इट, तो मुझे बताओ वो माल सस्ते में डंप कर रहा है इंडिया के अंदर, तो इस डंप को करने के लिए उसके अगेंस्ट उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो सीवीडी सब्सिडी आर्टिकल गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही थी, अब वो एक्सपोर्टर खुद ही मैन्युफैक्चरर खुद क्या कर रहा है सस्ते माल डंप कर रहा है इंडिया के अंदर, इसको बचाने के लिए ड्यूटी जो चार्ज की उसको क्या बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज की जाती है, बाकी पॉइंट्स आप पढ़ोगे आपको समझ में आपको अच्छे से आपके पास आ जाएगा, वेरी क्लियर, यहाँ पे आके ये चैप्टर भी आपका क्या होता है बड़ा खत्म होता है, कौन सा चैप्टर नंबर 5 बेटा, अब रिमेनिंग 5 चैप्टर्स आपके और बाकी है, कोशिश करेंगे अपन, वैल्यूएशन कल बड़ा चैप्टर एक बाकी रहेगा बेटा यार, कल मेरा प्लान था मॉर्निंग बेस्ट लेने का, लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं अब मैनेज करते हैं बेटा, क्लियर, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड डे तो नहीं बचा बोलेगा, गुड नाइट बेटा आप लोगों को बेटा, ऐसे कल चर्चा करेंगे।